हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया। और बच्चों, मैं हूं आपकी बायोगुरु। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग अराउंड 2 आवर्स कंटिन्यूअसली सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और उनके आंसर्स को देखेंगे। बच्चों ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं। मैंने एक पोल किया था, उसमें 90% से ज्यादा बच्चों के यही डिमांड थी कि आप क्वेश्चंस कराइए विदाउट एक्सप्लेनेशन, सो दैट वी कैन रिवाइज, वी कैन डू इट जस्ट लाइक अ क्विक रिविजन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग के 4 या 5 मॉक टेस्ट पेपर्स कंप्लीट हो जाएं। देखते हैं कि 2 घंटे में हमारे कितने मॉक टेस्ट पेपर्स कंप्लीट होते हैं। और हमें यहाँ पे जितने भी मॉक टेस्ट पेपर्स कर रहे हैं वो इंग्लिश में भी हैं और साथ ही साथ हिंदी में भी हैं, तो दोनों तरह के बच्चों के लिए इसको फायदा होगा। और ये मॉक टेस्ट पेपर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है बहुत ज्यादा, जिनका रिविजन पूरा हो चुका है। वो देख सकते हैं कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उनके कैसे मार्क्स आ रहे हैं या उनको कौन से आंसर्स आते हैं। और बाकी जिन बच्चों की अभी भी रिवीजन चल रहा है तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होंगे, ताकि वो अगर इन मॉक टेस्ट पेपर के वीडियो को देखता है तो उन बच्चे के लिए ये फायदा होगा कि उसने जो पोर्शन पढ़ा है वो तो रिवाइज होगा ही होगा, साथ ही जो पोर्शन नहीं भी अभी पढ़ा है तो उसके क्वेश्चंस भी उसके दिमाग में आएंगे कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। सो बाकी तो मैं आपके एनटीए के वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, बच्चों आप लोगों ने देख रहे हैं बराबर, उसमें देख करके आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो चलिए, टाइम नहीं वेस्ट करना है हमें, कोशिश करनी है कि हम लोग कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इस वीडियो में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं एंड आंसर्स हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जितने भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होते हैं उन सबको मिला करके एक अलग एक्सप्लेनेशन के साथ में उसका वीडियो प्रिपेयर कर दूंगी। ओके, और अगर आपको लगे ये वीडियो आपकी हेल्प करता है तो इसे लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा वो मॉक टेस्ट पेपर अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन ही आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले मॉक टेस्ट पेपर से। लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ अ पैंक्रियास सेक्रीट्स, सो आपके पास ऑप्शंस हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ट्रिप्सिनोजन एंड न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियोसाइड्स एंड पेप, एंड फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका पेप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। तो यहाँ पे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 91 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ट्रिप्सिनोजन एंड न्यूक्लियेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फूड कॉम्पोनेंट्स इन ह्यूमंस रीचेस द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड, प्रोटीन्स एंड स्टार्च, फैट एंड स्टार्च, फैट एंड सेल्यूलोज एंड स्टार्च एंड सेल्यूलोज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ये एनटीए के पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन, तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज फैट एंड सेल्यूलोज, ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसका जो एज इट इज पहुंचता है स्टमक में टोटली अनडाइजेस्टेड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन एडिक्ट फॉर अल्कोहल गेट्स हिज लीवर डिस्ट्रॉयड बिकॉज, लीवर स्टोर्स एक्सेस ऑफ प्रोटीन, लीवर स्टोर्स एक्सेस ऑफ फैट, लीवर स्टोर्स एक्सेस ऑफ स्टार्च एंड लीवर स्टोर्स एक्सेस ऑफ ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द सेकेंड वन, दैट इज लीवर स्टोर्स एक्सेस ऑफ फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हॉर्मोन सिंथेसाइज्ड बाई हाइपोथैलमस इज ट्रांसपोर्टेड टू न्यूरोहाइपोफाइसिस इज हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन एंड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट एंड थ्रो ब्लड एंड थ्रो लिम्फ। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हॉर्मोन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, उससे पहले ऑप्शन देखते हैं सारे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ऑक्सीटोसिन, फोर्थ है आपका प्रोलैक्टिन। तो यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉर्टिकॉइड हार्मोन इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शन एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो आंसर है आपके पास में एल्डोस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो यहाँ जो आपको बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा वो दैट इज द सेकेंड ऑप्शन, कॉर्टिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, The dash of the brain is the center of controlling respiration and gastric secretions. So that is medulla, thalamus, hypothalamus and midbrain. So यहाँ पे आपका correct answer होगा बच्चों that is medulla. Next question है, which of the following is not a neurotransmitter? Norepinephrine, acetylcholine, gamma aminobutyric acid and ADH. So यहाँ आपका correct answer होगा बच्चों that is the fourth option, ADH. Next है, At resting stage, charge of inner surface due to presence of more anion and negatively charged protein molecules, more phosphate ion and anion, more potassium ion and negatively charged protein molecule and more chloride ion and phosphate ion. तो आपका यहाँ पे जो बच्चों करेक्ट आंसर होगा दैट इज द थर्ड वन,
मोर पोटेशियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। अगर किसी बच्चे को किसी आंसर में कुछ डिफरेंस लगता है, हो सकता है कि हाँ मैं एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो बहुत हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको डिफरेंस मिले आंसर में, आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए। हो सकता है मुझे रिप्लाई देने में भी थोड़ा सा टाइम लगे, बट रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगी और उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से जरूर देख करके बताऊंगी। अगर कोई चेंज होता है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन, द सेमीलुनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड, व्हिच ऑफ द Above stages are correct? Only A and B, only B and C, and only A and C and four A B C. तो यहाँ पे आपका जो fourth option है, क्योंकि तीनों ही stages जो हैं, that is correct. Blood clotting factor prothrombin is found in serum, blood platelets, blood plasma and blood corpuscles. तो यहाँ जो आपका correct option होगा बच्चों, that is the third one, blood plasma. pH of blood is 5.8, 7.4, 7 and 8.9. आधे से ज्यादा बच्चों को जरूर इसका आंसर पता होगा, that is 7.4. Okay? Next question क्या है? Ultrafiltration contain plasma, blood protein, plasma clotting factor, plasma nitrogenous waste and plasma and inorganic salt. तो यहाँ पे आपका जो correct option है बच्चों, that is the first, plasma, blood protein. 70 to 80% of electrolyte and water reabsorbed in which part of nephron? PCT, DCT, Henle's loop या फिर collecting duct? तो यहाँ पे जो आपका correct option आएगा बच्चों, that is the first one, PCT. Which of the following organs other than kidneys also help in the elimination of excretory waste? Lungs, liver, skin. तो option से आपके पास में A only, B only, A and B only and A, B, C. तो यहाँ पे जो बच्चों correct answer आएगा, that is the fourth option, A, B, C. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन एल्वियोलर एयर एंड एल्वियोलर ब्लड कैपिलरीज अकर्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द थर्ड ऑप्शन, दैट इज द डिफ्यूजन। इम्पल्स फॉर वॉलेंट्री फोर्स्ड ब्रीदिंग स्टार्ट्स इन सेरेबेलम, मेड्यूला, सेरेब्रम, बोथ सेरेबेलम एंड सेरेब्रम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इनहेल नॉर्मली विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सहेलेशन, व्हिच पल्मोनरी वॉल्यूम्स विल बी इनहेल्ड, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, टीवी प्लस एफआरसी, टीवी प्लस आईआरवी प्लस टीवी एंड प्लस ईआरवी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, टीवी प्लस आईआरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैपिड स्पैज्म इन मसल ड्यू टू लो इन कैल्शियम, कैल्शियम इन बॉडी फ्लूड इज कॉल्ड मायस्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टेटनी या फिर ऑर्थराइटिस। तो यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, टेटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायग्राम दिया हुआ है, इन गिवन फिगर आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट ए बी सी डी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन गिवन बिलो टेबल। तो यहाँ पे आपको सी बताना है, बी बताना है, डी बताना है, दैट ए बताना है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज द सेकंड ऑप्शन, दैट आपका जो ए है दैट इज अ क्रॉस आर्म, बी जो है वो आपका ट्रोपोमायोसिन है, सी जो है वो आपका ट्रोपोनेन है एंड जो डी है आपका वो एफ एक्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग, फाइब्रस ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, सैडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, एंकल बोन फर्स्ट इन नंबर, थोराकिक वर्टिब्री फाइव इन नंबर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा बच्चों, दैट इज द सेकंड वन, सैडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब्स। द पार्ट ऑफ रेटिना वेयर ओनली कोन्स आर प्रेजेंट, मैकुला ल्यूटिया, फोविया सेंट्रलिस, ओरा सेराटा एंड ब्लाइंड स्पॉट। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द सेकंड वन, फोविया सेंट्रलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बैलेंसिंग रिसेप्टर ऑफ ईयर इज कॉक्लिया एंड सैकुलस, क्रिस्टा एंड मैकुला, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ओटोलिथ, एंड ओटोलिथ एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द सेकंड ऑप्शन, क्रिस्टा एंड मैकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इन नॉर्मल टर्जिट सेल इज इक्वल टू, ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फर्स्ट वन, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 115, अ सेल इंक्रीजेस इन वॉल्यूम इफ द एक्सटर्नल मीडियम इज हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड नन।
तो यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों, दैट इज द हाइपोटोनिक। समझ गए होंगे आप क्यों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सेल ए विद ओपी इज इक्वल्स टू 5 एंड टीपी इज इक्वल्स टू 4 इज सराउंडेड बाय द सेल्स विद ओपी इज इक्वल्स टू 3 एंड टीपी इज इक्वल्स टू 1, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट फ्रॉम सेल ए टू अदर सेल्स, फ्रॉम अदर सेल्स टू सेल ए, वाटर विल नॉट मूव, वाटर विल मूव अप। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों, दैट इज द फर्स्ट वन, फ्रॉम सेल ए टू द अदर सेल्स। फ्लावरिंग डिपेंडेंट ऑन कोल्ड ट्रीटमेंट इज थर्मोट्रॉपी, फोटोपेरियोडिज्म, क्रायोस्कोपी, वर्नलाइजेशन। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, वर्नलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्मेंटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, चारों इक्वेशन आप देखिए 1, 2, 3, 4। जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे, दैट इज द सेकंड वन, C6H12O6 गिव्स आउट 2C2H5OH प्लस 6CO2 प्लस 18 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, एंजाइम्स अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन ओनली, डीकार्बोक्सिलेशन ओनली, रिडक्शन ओनली एंड ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ओनली। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स द एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस, ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों थर्ड वन, दैट इज द टीसीए साइकिल। क्वेश्चन नंबर 121, हीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सक्लूड्स स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन इनर साइट ऑफ मेम्ब्रेन, प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड्स, एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू फोटोसिस्टम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्ट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एंड फोर्थ ऑप्शन है NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका, दैट इज द थर्ड ऑप्शन, एज इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द फोटोसिस्टम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्ट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लावरिंग इन पाइनएपल्स इज प्रमोटेड बाय ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ करेक्ट आंसर है फर्स्ट वन, दैट इज द ऑक्सिन। डैश आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम, एपोएंजाइम, कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोफैक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों आपका यहाँ पे, दैट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये NTA के पेपर में भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिगर शोज द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बेस्ड ऑन द फिगर, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको देखिए दे रखा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड यहाँ पे आपको दे रखा है लाइट डेंसिटी, इंटेंसिटी, और उसके बाद में एक बार जाकर के इस ग्राफ में यहाँ पे देखिए आपको वो स्टैटिक हो जा रही है, और फिर उसके बाद में आपके पास में जो यहाँ पॉइंट्स दे रखे हैं, ए रिप्रेजेंट द कंडीशन व्हेन लाइट इज लिमिटिंग, एंड डी में दे रखा है रिप्रेजेंट लाइट सैचुरेशन पॉइंट, एंड बी जो है आपका दैट इज रिप्रेजेंट कंडीशन व्हेन लाइट इज ऑप्टिमम। तो जो ऑप्शंस हैं आपके पास में उनमें से पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑल थ्री पॉइंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे कॉलम वन एंड कॉलम टू दे रखा है, प्रीस्ले, जैन इंजन हाउस, एंजलमैन एंड वॉन नील। यहाँ कॉलम सेकंड में आपको दे रखा है रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस, एक्शन स्पेक्ट्रम, रोल ऑफ एयर इन फोटोसिंथेसिस, रोल ऑफ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। तो आपको यहाँ पे मैच करके बताना है कि कौन सा पॉइंट सही है। तो यहाँ आपका जो सेकंड वाला है आंसर वो सही होगा, इसका मतलब जो आपका प्रीस्ले है वो मैच करेगा थर्ड, रोल ऑफ एयर इन फोटोसिंथेसिस, एंड जॉन इंजन हाउस ने जो दिया था दैट इज द रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस, एंजलमैन ने जो दिया था दैट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम, एंड जो वॉन नील थे इन्होंने रोल ऑफ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द कॉलम का ही है, सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम, मॉलिबेडनम, क्लोरोफिल, नाइट्रोजनेस, मेथियोनिन एंड ऑक्सिन। तो मैग्नीशियम जो है वो आपका मैच करेगा जाकर के क्लोरोफिल से, और क्योंकि वो उसके स्ट्रक्चर में सेंटर में प्रेजेंट होता है। बाकी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों यहाँ पे, दैट इज द सेकेंड ऑप्शन। तो इसका मतलब सल्फर जो है वो आपका मैथियोनिन, जिंक जो है वो आपका मैच करेगा ऑक्सिन से, मैग्नीशियम आपका फर्स्ट से मैच कर रहा है क्लोरोफिल से, एंड मॉलिबेडनम आपका मैच कर रहा है नाइट्रोजनेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, प्लांट्स रिक्वायर आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल एंड एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। Which of the following is not a requirement for photosynthesis? Sunlight, oxygen, carbon dioxide and water.
तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों सेकंड वन, दैट इज द ऑक्सीजन. फाइंड आउट द एंजाइम विच इज एक्टिवेटेड बाय AMP/ADP एंड इनहिबिटेड बाय ATP. ऑप्शन है आपके पास में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों सेकंड वन, दैट इज द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 130. डायग्राम दे रखा है आपको. इन फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर A, B, C एंड D. तो ये A है, ये B है आपके, और ये आपका C है दोनों, और इसके बाद ये आपको D है. तो आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है कि ये किसका है. तो यहाँ पे आप देखिए थर्ड ऑप्शन है जो वो आपका करेक्ट है. जो A है आपका दैट इज लैब्रम, जो B है आपका दैट इज मैंडिबल, जो C है आपका दैट इज मैक्सिला, एंड जो D है दैट इज लैबियम. सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ अर्थ वॉर्म. ओपन टाइप ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ब्लड फ्रीली फ्लो इन हीमोसील, ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन 2/3/4 सेगमेंट एंड हीमोग्लोबिन डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा. तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द फोर्थ वन, हीमोग्लोबिन डिसॉल्व्ड इन द ब्लड प्लाज्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132. फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ ग्लैंड. ये आपको डायग्राम दे रखा है. ऑप्शंस में आपके पास में है सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, गॉबलेट सेल्स एंड मेमोरी ग्लैंड. तो जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द थर्ड वन, दैट इज गॉबलेट सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एंडोकार्डियम इज द एग्जाम्पल ऑफ. सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड. तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द फर्स्ट वन, सिंपल स्क्वामस. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू. ऑप्शन है आपके पास में इंटर डिजिटेशन, गैप जंक्शन, डेस्मोजोम एंड टाइट जंक्शन. तो जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों दैट इज द फोर्थ वन, दैट इज टाइट जंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135. इन्यूक्लिएटेड लिविंग सेल्स इज कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब एलिमेंट एंड ट्रैकीट. तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों थर्ड वन, दैट इज सीव ट्यूब एलिमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम एंड ऑल. तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, दैट इज द सेकेंड वन. 137 क्वेश्चन नंबर, इन ग्रासेस सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड कंपेनियन सेल्स, बुलिफॉर्म सेल्स, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स एंड पैसेज सेल्स. तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे दैट इज द सेकेंड वन, बुलिफॉर्म सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्मेशन ऑफ स्टैमिनल ट्यूब इन चाइना रोज फ्लावर इज ड्यू टू. तो कोहेशन ऑफ स्टेमन्स एंड एडिशन ऑफ स्टेमन्स एंड एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स, बोथ कोहेशन एंड एडिशन ऑफ स्टेमन्स. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द फर्स्ट वन, कोहेशन एंड ऑफ स्टेमन्स. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द गिवन फ्लोरल फॉर्मूला. ये आपको फ्लोरल फॉर्मूला गिवन है और आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, इंटीरियर पेटल्स आर फ्री, फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ पिट्यूनिया प्लांट, मोनोडेल्फस कंडीशन एंड इंटीरियर पेटल्स आर फ्यूज्ड. तो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द फोर्थ वन, दैट इंटीरियर पेटल्स आर फ्यूज्ड. ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर मेंबर्स ऑफ लिलिएसी फैमिली. ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, पिट्यूनिया, ब्रिंजल, एस्पैरगस, कॉल्चिसिन, सिस्बेनिया, ट्राइफोलियम, ल्यूपिन, एलोय, सनफ्लावर ग्रास, अनियन एंड सनहेम. तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज 6 इज द करेक्ट आंसर हियर. इन सम लेग्यूम्स प्लांट्स द लीफ बेस मे बिकम स्वेलन विच is called phyllod, bulbinus, leaf pitcher and sheathing leaf base. तो यहाँ जो correct answer होगा बच्चों that is the second one, bulbinus. Next question है बच्चों, consider the following four statement A to D and select the option which includes all the correct and ones only. Fasciculated roots are found in asparagus. In banana plant type of stem is sucker. Rhizase is present in both pinnately and palmately compound leaf and a bud is present in the axil of leaflets. तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द क्वेश्चन नंबर 142 एंड आंसर इज द फर्स्ट वन, स्टेटमेंट ए एंड बी इज करेक्ट ओनली. नेक्स्ट है आपको डायग्राम दे रखा है, आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग एनिमल एंड लार्वा ऑफ दिस एनिमल. राना, टेडपोल, सेलामेंडर, एक्सोलोटल एंड पेट्रोमाइजोन, एमेस्क्विटी एंड बेलेनोग्लोसस टॉर्नेरिया. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द सेकेंड वन, सेलामेंडर एक्सोलोटल. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड.
एक्सोकोइटस सीहॉर्स, क्लेरियस रोहू, हिप्पोकैम्पस फ्लाइंग फिश, बेटा एक्वेरियम फिश। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, बेटा एक्वेरियम फिश। विच एनिमल शोज परमानेंटली नियोटैनी? बूफो एंड इक्थायोफिस, राना टिग्रिना एंड नेक्टूरस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, नेक्टूरस। इन मेंबर्स ऑफ विच क्लास जैकबसन्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन बकल कैविटी? पिसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया एंड एवीज। तो पाइसिस भी है आपके पास में, एम्फीबिया भी है एंड रेप्टाइल भी है एंड एवीज भी है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द रेप्टिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ फॉलोइंग विच आर द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स? एपिस, बॉम्बिक्स, एनोफिलीज, बोथ वन एंड टू। तो यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कैनाल सिस्टम इज ऑस्टिया, ऑस्कुलम, स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील, ऑस्टिया, ऑस्कुलम, ऑस्कुलम, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम। एंड यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील एंड ऑस्कुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर। एडामसिया, सी पेन, गॉर्गोनिया, सी एनिमन, फाइजेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वार एंड पेनेंचुला सी फैन। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, फाइजेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल ए, बी एंड सी। तो यहाँ आपके पास में जो आपको तीन डायग्राम दे रखे हैं, ए, बी एंड सी, तो यहाँ आपको बताना है कि इनमें से ये कौन सा एनिमल्स है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, क्योंकि जो ए है वो आपका साइकॉन है, सेकेंड वाला आपका बी जो है वो यूस्पॉन्जिया है एंड जो सी है वो आपका स्पॉन्जिला है। तो सी ऑप्शन, सॉरी, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑप्शन इज इनकरेक्ट फ्रॉम ए टू डी? तो ए बताना है, बी बताना है एंड सी आपको बताना है एंड डी आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं, ए इज हेल्पफुल फॉर सेल टू सेल रिकॉग्निशन, बी दे रखा है द लैटरल मूवमेंट इन लिपिड लेयर, सी दे रखा है ओनली लैटरल मूवमेंट इन बाई लेयर एंड डी दे रखा है मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो ध्यान रखिए, आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, इनकरेक्ट बताना है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो यहाँ जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, ओनली लैटरल मूवमेंट इन बाईलेयर। नेक्स्ट है आपका, बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, विच वन इज ऑड अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम एंड लाइबोसोम, सॉरी लाइसोसोम। तो आपका जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द राइबोसोम, करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया? ऑप्शंस है, इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टर्म्ड एज मैट्रिक्स, द इनर मेम्ब्रेनस फॉर्म्स ऑफ कंटीन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ऑर्गनेलीज एंड द क्रिस्टी इंक्रीजेस द सर्फेस एरिया एंड द फोर्थ ऑप्शन यू आर हैविंग द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। तो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द सेकंड वन, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटीन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ऑर्गनेलीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154, प्लाज्मा लेमा, राइबोसोम, फ्लैजेला, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस आर नॉट अकर्स इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? तो यहाँ पे जो आपके पास में करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 155, सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट ड्यू टू? टेल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हेड ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड हेड ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द सेकंड वन, टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन डायग्राम? ये आपको डायग्राम दे रखा है, ऑप्शंस हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म, क्रोमोसोम्स आर लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट, डिक्टियोटीन फेज। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, क्रोमोसोम्स आर लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, विच वन ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर गिवन डायग्राम? ये आपको ए, बी, सी एंड डी दे रखा है और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, दैट सी जो है आपका, वो डीएनए बिकम हाफ इन ईच क्रोमोसोम as compared to the diagram. Next question है, which phase of meiosis is responsible for increase the genetic variability in population of organisms? Leptotene, metaphase, pachytene, anaphase, first.
तो यहाँ पे आपके पास में करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, पैचिटिन. विच वन ऑप्शन इज करेक्ट फॉर रिवर्स ऑफ प्रोफेज? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ईआर रीअपीयर्स, क्रोमोसोम्स कंडेंस, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बिकम सीन एंड स्पाइंडल फॉर्मेशन. तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फर्स्ट वन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ईआर रीअपीयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर किंगडम्स विद फोर ब्लैंक्स ए टू डी, आइडेंटिफाई द ब्लैंक्स. यहाँ मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है एंड प्लांटी है. और आपको दे रखा है सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनके बारे में आपको बताना है. तो बच्चों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर. ए पे आपका आएगा एब्सेंट, बी पे आएगा आपका काइटिन, सी पे आएगा आपका ऑटोट्रॉपिक, एंड जो इसके अलावा आपका हेटरोट्रॉपिक भी यहाँ पे आएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. और जो डी है वो वहां पे आपका आएगा टिश्यू, या फिर आप कह सकते हैं ऑर्गन. ओके, सो यहां से आपका ये करेक्ट ऑप्शन जो है, दैट इज द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस फर्न? सिलाजिनेला, एजोला, सल्विनिया या ड्रायोप्टेरिस. तो कितने हैं इनमें से ये आपको बताना है. तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा, दैट इज ए बी सी. तीन हुए आपके इनमें से, ए बी एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द फिगर गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन गिवन ऑल फोर पार्ट्स ए बी सी डी. तो ये आपका सी है, ये आपका बी है, ये ए है एंड दैट इज द डी. आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन जो दे रखे हैं, दैट इज द करेक्ट. तो जो आपका ए है बच्चों, उसमें आपका गैमेटोफाइट होगा, जो बी है दैट इज स्पोरोफाइट, सी जो है दैट इज कैप्सूल, एंड जो डी है दैट इज राइजॉइड. सो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, एक्वाटिक, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन. अबव मेंशन्ड कैरेक्टर्स आर रिलेटेड टू विच किंगडम? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई या फिर एनिमेलिया. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द सेकेंड वन, प्रोटेस्टा. स्वीडिश बॉटनिस्ट हु प्रपोज्ड द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल मॉर्फोलॉजी वॉज बेंथम एंड हुकर, थियोफ्रेस्टस, जॉन रे एंड लीनियस. तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, लीनियस. लास्ट 15 क्वेश्चन बचे हैं इस पहले मॉक टेस्ट पेपर के. कैरोलस लीनियस वॉज प्रपोज्ड साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरी इन 10th एडिशन विच वॉज पब्लिश्ड ऑन 1st अगस्त 1758. विच टैक्सोनॉमिकल एड प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन? हर्बेरियम, फ्लोरा, कैटलॉग एंड मोनोग्राफ. तो करेक्ट आंसर है बच्चों थर्ड वन, दैट इज कैटलॉग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय वाटर, एयर, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स. तो करेक्ट आंसर है बच्चों सेकंड वन, दैट इज एयर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रायोफाइट्स. फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस टाइप. सेकंड है द सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर एंड सराउंडेड विद स्टेराइल जैकेट. थर्ड है द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, आपको बताना है. और यहाँ पे जो करेक्ट है, दैट इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड केयरफुली द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टेरिडोफाइट्स. दे आर कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. दे प्रोड्यूस स्पोर्स रादर देन स्पीड. दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड दे आर यूज्ड एज सॉइल बाइंडर्स एंड दे आर फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स. तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट. तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ऑल फाइव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव द करेक्ट करेक्टराइजेशन ऑफ ए बी एंड सी. ओके, सो मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड प्लांटी हैं आपके पास में, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज करेक्ट. मोनेरा में माइक्रोप्लाज्मा, बीजीए. प्रोटेस्टा में प्रोटोजोअन, स्लाइम मोल्ड एंड प्लांटी में आपके पास में सोलेनम मैग्नीफेरा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट? किंगडम, क्लास, फाइलम एंड फैमिली. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द फैमिली. Identify the correct match from column 1 and 2nd and 3rd. Okay, column 1st में आपके पास में wheat, man, mango, housefly है. Column 2nd में है homo, musca, magnifera, triticum है. 3rd में monocotyledon, dicotyledon, insecta and mammalia है. यहाँ पे आपका जो correct answer होगा बच्चों, that is the first one, that is the correct match. Okay, first का आपका match करेगा D, और then after it will go with the again first.
सेकेंड वाला आपका जाएगा ए एंड देन आफ्टर अगेन इट विल गो विद द फोर्थ वन, और जो आपका थर्ड है वो जाएगा आपके पहले सी के साथ में एंड देन आफ्टर इट विल गो विद द सेकेंड वन एंड हाउस फ्लाई जाएगी आपके पहले मस्का एंड देन इंसेक्टा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फाइंड आउट हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडैप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड. जिम्नोस्पर्म्स एंड आर होमोस्पोरस. अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज. तो यहाँ बताना है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 3, 4, 1, 2. तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, दैट इज 2. मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. तो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, एंजियोस्पर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद एन मेगा स्पोरेंजियम, ब्रायोफाइटा, होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड ऑल टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म. तो करेक्ट आंसर है बच्चों, थर्ड वन, दैट इज जिम्नोस्पर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, फाइंड आउट विच वन इज नॉट रिलेटेड विद जिम्नोस्पर्म. एसोसिएशन विद एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, मोर देन वन आर्किगोनिया, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. तो यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. क्वेश्चन नंबर 177 है आपका, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन फ्लो चार्ट. स्टार्च, डाइसैकेराइड, तो यहाँ पे ए बताना है, देन आफ्टर माल्टोज बी बताना है, फिर सी बताना है एंड आपको डी बताना है. तो यहाँ पे आपको एंजाइम्स के नेम दे रखे गए हैं ऑप्शन में, तो कहाँ पे कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि स्टार्च जो है वो डाइसैकेराइड में एमाइलेज की हेल्प से चेंज हो रहा है. बी की जगह पे आपका माल्टेज आएगा, सी की जगह पे आपका सुक्रेज आएगा एंड डी की जगह पे आपका लैक्टेज आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डहेलिया ट्यूबर्स स्टोर अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज कॉल्ड ग्लाइकोजन, म्यूसिन, इनुलिन एंड अगार. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, इनुलिन. डॉक्टर्स रिकमेंडेड सनफ्लावर ऑयल एज इट इज रिच इन सोर्स ऑफ विटामिन, इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इन एनर्जी एंड रिड्यूस वेट, इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. तो यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द सेकेंड वन, इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. इस मॉक टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ये, इन द पॉलीसैकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड. तो यहाँ पे आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, और इसी के साथ में हमारा जो फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर है वो फिनिश हुआ. सो हियर इज योर मॉक टेस्ट पेपर 2, और स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन इसके देखेंगे और उसके जो करेक्ट आंसर है उनको देखेंगे. सो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में एग्जिबिट मेटास्टेसिस, पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी आर गिवन कैनाबिनॉइड्स टू रिलीव पेन, एंड बेंजीन ट्यूमर शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस एंड हेरोइन एक्सिलरेट्स बॉडी फंक्शन. तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द फर्स्ट वन, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में एग्जिबिट मेटास्टेसिस. 92 नंबर क्वेश्चन है आपका, कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम न्यूमोनिया इन दैट न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय अ वायरस, व्हाइल द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी. एंड सेकेंड ऑप्शन है, न्यूमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट्स एल्वियोलाई, वेयर एज द कॉमन कोल्ड अफेक्ट्स नोज, रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स. थर्ड ऑप्शन है, न्यूमोनिया इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, वेयर एज द कॉमन कोल्ड इज अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज. एंड फोर्थ ऑप्शन है, न्यूमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, वेयर एज द कॉमन कोल्ड हैज नो इफेक्टिव वैक्सीन. यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द सेकेंड वन, न्यूमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट्स एल्वियोलाई, वेयर एज द कॉमन कोल्ड अफेक्ट्स नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following statement is incorrect? Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease. The use of drug like antihistamine, adrenaline and steroids quickly reduces the symptoms of bacterial infection. And third option hai aapka, several genes called cellular oncogenes have been identified in normal cells which when activated under certain conditions could lead to oncogenic transformation of the cells. And fourth option है आपका, the vaccine also generates memory B and T cells that recognize a pathogen quickly on subsequent exposure
एंड ओवरवेल्म द इन्वेडर्स विद अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द सेकंड वन। द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई, अमीबिक डिजेंट्री एंड टेटनस एंड न्यूमोनिया या फिर कॉमन कोल्ड। तो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द फर्स्ट वन, अमीबिक डिजेंट्री। एंड 95 नंबर क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, मलेरिया, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस बी एंड प्लैग। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है थर्ड वन, दैट इज हेपेटाइटिस बी। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ, अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस, वैक्सीनेशन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, एंड फोर्थ इज द ऑल ऑफ द अबव। तो 96 का आपका फोर होगा, ऑल ऑफ द अबव आर रिक्वायर्ड टू अचीविंग गुड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ प्रेग्नेंट वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स इन्फेक्शन, देन आफ्टर पार्टुरेशन विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी नॉट बी प्रेजेंट इन हर न्यू बॉर्न, IgG, IgM, IgA या फिर 1 एंड 2 बोथ। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द IgA, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। टोबैको कंजम्पशन इज नोन टू स्टिमुलेट सेक्रीशन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन कंपोनेंट कॉजिंग दिस कुड बी एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन, कैफीन, निकोटीन एंड डोपामाइन। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, निकोटीन। एंड द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम सेक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन हैज एमिनेंट एंटीबॉडीज टू प्रोटेक्ट इन्फेंट, देयर एंटीबॉडीज कंटेन 4 लाइट एंड 4 हैवी चेन्स, 2 लाइट एंड 4 हैवी चेन्स, 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन्स एंड 5 लाइट एंड 5 लाइट एंड 5 हैवी चेन्स। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फर्स्ट वन, दैट 4 लाइट एंड 4 हैवी चेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कॉज्ड ड्यू टू अल्कोहलिज्म। ऑप्शंस आपके पास में है, लेकिन उससे पहले आपको ये पॉइंट्स पढ़ने हैं और आपको बताना है इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो पॉइंट्स है आपके एम्फाइसिमा, एमनेशिया, ब्रोंकाइटिस, हाइपोग्लाइसीमिया एंड साइकोसिस। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, सेकंड वन, दैट BDE, बी एमनेशिया, डी हाइपोग्लाइसीमिया एंड साइकोसिस इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई इन अ सेंट्रल सेल इज अबव द एग अपैरेटस, बिलो द एग अपैरेटस, बिलो द एंटीपोडल सेल्स एंड अबव द एम्ब्रियो। तो यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द सेकंड वन, बिलो द एग अपैरेटस। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 सीड्स ऑफ पी, 400, 800, 500 या फिर 125। करेक्ट आंसर इज द थर्ड वन, दैट इज 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, दैट इज टिगैलम रिप्रेजेंट टेस्टा टैगमैन बोथ एम्ब्रियोनल मेन एक्सिस। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, एम्ब्रियोनल मेन एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन सिट्रस अराइज फ्रॉम डिप्लॉयड एग, हैप्लॉयड एग, मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल एंड मैटरनल गैमेटोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दैट इज अ डायग्राम, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए, बी, सी एंड डी इन द गिवन डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए बताना है, बी बताना है, सी बताना है एंड डी बताना है। ओके, ऑप्शंस आपके पास में दे रखे हैं 1, 2, 3, 4। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, दैट ए इज द एल्यूरॉन लेयर। ओके, आई एम राइटिंग हियर, दैट इज द एल्यूरॉन लेयर एंड बी इज द एंडोस्पर्म एंड सी इज द स्कूटलम एंड डी इज द कॉल्यूराइजा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट ट्रू अबाउट स्पोरोपोलेनिन, इट इज फैटी सब्सटेंस, इट इज सेक्रेटेड बाय टैपेटम, इट फॉर्म्स एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड इट इज डाइजेस्टेड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बायो कैटलिस्ट। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, इट इज डाइजेस्टेड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बायो कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डीएनए इन द सेल्स, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए या फिर जेड डीएनए।
तो यहाँ आपकी जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होगी बच्चों, दैट इज द BDNA. सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, ये आपको स्ट्रक्चर दे रखा है. यहाँ पे आपका एडेनिन एड है, सो यहाँ पे आपको बताना है दैट इज एडेनाइलिक एसिड, एडेनोसिन, एडेनिन या फिर प्यूरिन. तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द एडेनाइलिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों. शारग्राफ रूल्स इन इज एप्लीकेबल टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड आरएनए. तो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए. अ सिंगल एंजाइम इज स्पेसिफाइड बाय अ सिंगल न्यूक्लियोसोम जीन न्यूक्लियोटाइड क्रोमोसोम. तो यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द सेकंड वन, जीन. विच एंजाइम रिमूव द प्राइमर इन डीएनए रेप्लिकेशन, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड हेलिकेज. तो करेक्ट आंसर है आपका बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज सच एज माइक्रो सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स एटसेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ बेस कॉम्पोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स एंड ऑल ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज हियर, दैट इज द डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट रिजोल्व अकॉर्डिंग टू देयर शेप, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड साइज. तो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द साइज. यहाँ पे वो साइज के अकॉर्डिंग ही डिफरेंशिएट होते हैं या सेपरेट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए एट विच साइट विल लीड टू द लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इन PBR322 प्लाज्मिड. ऑप्शंस यू आर हैविंग PBU फर्स्ट, EcoR1 फर्स्ट एंड PST1 एंड BAMHI. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट्स नॉट BAMHI, दैट्स BAMH1. सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन, दैट इज BAMH1. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेथड इन विच एलियन डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल इज नोन एज बायलिस्टिक, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन एंड हीट शॉक ट्रीटमेंट. तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द सेकंड वन, माइक्रो इंजेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीएनए पॉलीमरेज, इट मींस टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR has been isolated from bacteria, nematode, plant, fungus. तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, bacteria is here and the bacteria name is Thermus aquaticus and which is found in hot springs. Next question है, DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequences called as repetitive DNA, non-repetitive DNA, satellite DNA and 1 and 3 both. So correct answer is here, 117, fourth option is correct here. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनमें मैंने आपका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, लेकिन इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें आपके ऐसे ही बल्क में क्वेश्चंस होंगे और उनमें क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी होंगे, तो डेफिनेटली टाइम इसके डबल ही होगा अप्रोक्स. तो बी रेडी फॉर दीज लास्ट टाइप वीडियोज सो दैट यू विल गेट गुड एंड गुड एंड गुड, वेरी गुड रैंक इन योर नीट एग्जाम. ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Amino acids are activated in presence of ATP and linked to their cognate tRNA, a process commonly called as charging of tRNA, activation of tRNA, ligation and initiation. So correct answer is the first one, charging of tRNA. The enormous amount of data expected to be generated also necessitated the use of high-speed computational device closely associated with the rapid development of new era of biology called genetic engineering, recombinant technology एंड बायोइनफॉर्मेटिक्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका, दैट इज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन्स, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट जीन्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड जीन्स लोकेटेड ऑन द डिफरेंट लोकस ऑफ अ क्रोमोसोम. तो आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा बच्चों, दैट इज द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, द सेवन कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल आर प्रेजेंट ऑन फोर क्रोमोसोम, टू क्रोमोसोम, सेवन क्रोमोसोम एंड थ्री क्रोमोसोम. सो द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट वन, दैट इज द फोर क्रोमोसोम्स. पैटर्न बाल्डनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन हेरिडिटरी ट्रेट, सेक्स लिंक्ड ट्रेट, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट एंड सेक्स लिमिटेड ट्रेट. सो द करेक्ट आंसर इज हियर, दैट इज द थर्ड वन, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, If father is affected with defective enamel of teeth and mother is normal then, तो options आपके पास में है, all children will be affected, only male child will be affected,
only female child will be affected and one male and one all female children will be affected. So, correct answer आपका यहाँ पे होगा बच्चों third one that only female child will be affected. In a population with equilibrial condition 3360 individuals out of 4000 are tongue roller. Then what will be the number of individuals with heterozygous condition? So, आपका जो correct answer होगा बच्चों ये solve करने वाला question है. एंड उम्मीद है कि आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे. अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी. इवन अगर आपको इनमें से जिन जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है पूरे वीडियो में से, तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे कि आपको किन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, देन आई विल प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड अनदर वीडियो आई मीन अलोंग विद द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस. ओके गाइस, सो आपको जो इजी है वो तो आपको आ जाएंगे, जिनमें प्रॉब्लम है उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा. सो इसका मैं आंसर आपको बताती हूँ कि क्या आएगा, दैट इज 1920. ओके, अगर आपको ये ना आए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टडी द गिवन पेडिग्री केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ट्रेट इंडिकेटेड इन डायग्राम. अगेन दैट इज सेम डिस्क्रिप्शन फॉर द दिस क्वेश्चन ऑल्सो एज आई हैव डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस वन. की अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन यू. राइट नाउ आई एम टेलिंग यू द आंसर बिकॉज दैट इज अ क्विक रिवीजन सीरीज एंड इन दैट पर्टिकुलर क्विक रिवीजन सीरीज आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चंस, आई एम जस्ट रिवाइजिंग दीज क्वेश्चंस यू बाय टेलिंग द आंसर्स ओनली. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 125 है एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द थर्ड वन, डिफेक्टिव एनामल ऑफ टीथ. आपके प्रीवियस क्वेश्चन से ही मैच हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर व्हिच गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड टू एंड थ्री बोथ. तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका सेकंड वन, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट्स. द प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग बीटी टॉक्सिन जीन्स Cry1AC एंड Cry2AB आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बॉल वॉर्म, राउंड वॉर्म, मॉथ एंड फ्रूट फ्लाई. तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज बॉल वॉर्म. इन RDNA टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग इल्यूशन मींस रिमूव द DNA फ्रॉम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन. सेकंड ऑप्शन इज द सेपरेटेड बैंड ऑफ DNA आर कट आउट फ्रॉम द जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस. थर्ड ऑप्शन इज सेपरेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट सेल. एंड फोर्थ वन इज द इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू द होस्ट सेल. सो द करेक्ट आंसर इज द सेकंड वन, द सेपरेटेड बैंड ऑफ DNA आर कट आउट फ्रॉम द जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है. द फिगर शो बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इकोलाई वैक्टर PBR322. विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज इट्स करेक्ट सर्टेन कॉम्पोनेंट्स. ओके, सो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दे रखा है. सो यहाँ पे आपसे जो पूछ रहा है, हिंट थर्ड एंड इको R1 इज द सिलेक्टेबल मार्कर्स. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन आर, इसको एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन बोलते हैं और आर का मींस है यहाँ पे रेजिस्टेंस. सो दीज आर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स एंड ORI इज द ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड ड्रॉप इज द रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है बच्चों सेकेंड वन, दैट इज AMPR एंड TETR, यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर. Find out correct recognition sequence of following restriction endonuclease enzyme. तो BAM H1 का है आपका GGATCC and CCTAGG and EcoR1 का है GAATTC, CTTAAG. Let me come to the right answer only so that it will save our time with this tongue twisting. So correct answer is here. First option is correct one. So these are the correct sequences for these restriction endonuclease enzymes. Okay guys. Let's move towards the next question. That is, in the octoploid triticale, the haploid N and basic number X of chromosomes respectively are 28-7, 21-7, 7-28 and 28-14. So, the correct answer is here. That is the first one, 28-7. Removal of RNA polymerase second from nucleoplasm will affect the synthesis of tRNA, 5sRNA, hnRNA and 28srRNA. तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे आपका दैट इज द थर्ड वन, HNRNA. क्वेश्चन नंबर 133, E. coli कंटेनिंग लाइट DNA मॉलिक्यूल वॉज अलाउड टू ग्रो फॉर 100 मिनट्स इन N15 मीडियम, देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शंस ऑफ लाइट एंड हैवी डेंसिटी DNA मॉलिक्यूल्स रिस्पेक्टिवली. सो द करेक्ट आंसर इज द
फोर्थ वन दैट इज 0:30. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट. एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स. एंटीबायोटिक्स कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. एंड पेनिसिलिन वॉज फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड. एंड पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय चेन एंड फ्लोरे. तो यहाँ पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है और यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है दैट इज द फोर्थ वन, पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय चेन एंड फ्लोरे. ये रॉन्ग है, इन्होंने नहीं डिस्कवर्ड की थी, फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड की थी. इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, ई कोलाई, क्लोरेला, बैगियाटोआ एंड यूलोथ्रिक्स. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द फर्स्ट वन, ई कोलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, टेम्परेचर वेरिएशन इन पैसिफिक ओशियन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड साइक्लोन इफेक्ट, एलनीनो इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्वाडिकोव्स इफेक्ट. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द एलनीनो इफेक्ट. मेन रीजन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हंटिंग, सॉइल इरोजन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट. तो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द फोर्थ वन, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 138, बेस्ट मेथड टू प्रिजर्व द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ प्लांट्स बाय ग्रोइंग देम इन नेचुरल हैबिटेट्स, जीन लाइब्रेरी, बाय स्टोरिंग सीड्स एंड क्रायो प्रिजर्वेशन. तो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द फर्स्ट वन, बाय ग्रोइंग देम इन नेचुरल हैबिटेट्स. मैक्सिमम डीडीटी इन बर्ड्स फीडिंग ऑन फिशेस, मीट, इंसेक्ट, सीड्स. एनटी में भी ये क्वेश्चन आया था और इसका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द फर्स्ट वन, फिशेस. इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर ESP कैन रिमूव SO2, SPM, CO, मीथेन. तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका दैट इज द सेकेंड वन, SPM. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट. नॉइज इज अ एयर पॉल्यूटेंट. मोटर व्हीकल्स इक्विप्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलीडेड पेट्रोल. CNG burns more efficiently unlike diesel and petrol. And 0.1% impurity makes water unfit for human use. And COD values are always higher than the BOD values. And agriculture induces algal bloom in nearby water bodies. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. If you are having any confusion in this question, you can ask me in comment section. Right now I am telling you the answer. And the right answer is the first one, that zero statements are incorrect. Okay guys, चलिए next question की तरफ देखते हैं. क्या है हमारा question number 142. The plant having the largest flower is total stem parasite, epiphyte, total root parasite, partial stem parasite. तो correct answer है बच्चों second one, that is the epiphyte. In which type of the forest humus is formed by the dry and dead leaves? Coniferous, deciduous, tundra या फिर alpine. तो correct option है आपका बच्चों that is the first one, coniferous forest. Which of the following plant is found in mangroves forest? Shoria robusta, Rhizophora, Tectona grandis and Pinus. तो correct answer है बच्चों second one, that is the Rhizophora. Question number 145. The components of the ecosystem are seen to function as a unit when we consider the productivity, energy flow, decomposition and nutrient cycling and all of these. So the correct answer is here, that is the fourth one, all of these. Next question hai bachcho, ecosystems need a constant supply of energy to synthesize the molecules they require to increase the photosynthetic efficiency, reduce respiratory loss and counteract the universal tendency toward increasing disorderliness and control the worst impact of the predation. So correct answer hai bachcho aapka, that is the third one, counteract the universal tendency toward increasing disorderliness. Next question hai aapka, according to which one of the following plots with more species show less year to year variation in total biomass. To correct answer hai bachcho aapka, that is the second one, till man. Next question hai aapka, which of the following is correct for top consumers. To options aapke baad mein hai, pehle aapko yahan pe points de rakhe hain A, B and C, to wo dekhna hai. They keep spray population under control. They maintain prey species diversity at community level and they exhibit a great level of assimilation efficiency and respiratory loss with prudent nature. So correct answer hai bachcho aapka yahan pe fourth one, that is the A, B and C. All these statements are right. So A, B, C all are correct. Okay, question number 149. A are biotic factors of one area while B are biotic factors of another area. So the C is the common one between them. So what is the name of C? Ecoline, littoral zone, ecotone, या फिर fourth one, thermocline.
तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज द इकोटोन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिग कैन मेंटेन कम्युनिटी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग फूड स्कैरसिटी इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, दिस एक्ट्स एज एक्सोटिक स्पीशीजेस, पायनियर स्पीशीजेस, एज स्पीशीजेस या फिर कीस्टोन स्पीशीजेस। तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, कीस्टोन स्पीशीजेस। फंक्शनल कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी विच चेंज ड्यूरिंग सक्सेशन, तो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व हैं। तो एनर्जी यूज एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी। सो ऑप्शन विच इज करेक्ट हियर, दैट इज द फर्स्ट वन, ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन वुड ऑपरेट ऑफ इन अ वॉल्केनिक इरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर, प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन रिस्पेक्टिवली, सेकेंडरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी एंड प्राइमरी सक्सेशन रिस्पेक्टिवली। सो करेक्ट आंसर आपका होगा बच्चों यहाँ पे सेकेंड वन, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन रिस्पेक्टिवली। आई होप कि ये हिंदी वाले बच्चों को भी ये हेल्प कर रहा होगा, क्योंकि जो दूसरी साइड में है वो सारा हिंदी में ही क्वेश्चन है, तो उनको भी एक अच्छे क्वेश्चन के लेवल जो है वो अचीव हो रहे होंगे यहाँ पे, और उनको इससे एग्जाम में जरूर हेल्प मिल रही होगी। और बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आप लोगों की जरा सी भी हेल्प कर रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और वीडियोस बना सकूं। साथ ही साथ में इसके बाद में जो वीडियो आएगा, दैट इज अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन बट विद द डिफरेंट मॉक टेस्ट पेपर्स। ओके, सो बी रेडी, अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार रहिए और इन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, ताकि आपको एग्जाम में इनसे हेल्प मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 153, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ थ्री एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्पीशीजेस ए बी सी दे गिव आउट। सो आपके यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ए में कीस्टोन स्पीशीजेस है, बी में क्रिटिकल लिंक स्पीशीजेस है एंड सी में आपका एंडेमिक स्पीशीजेस है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, कैंगरू रैट इन डिजर्ट, माइक्रोराइजल फंजाई एंड मेटा सिक्वा इन चाइना वैली। क्लियर गाइज? Next, question number 152, there is a graph and diagrammatic representation, you can say that the figure given below is a diagrammatic representation of response of organism to abiotic factors, find out A, B and C. Here is the A, here is the B and here is the C. So you have to tell that what is A and what is B, what is C. So here is the internal level and here is the external level. So correct answer यहाँ पे जो होगा, अगर आपको नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। क्लियर गाइज? सो करेक्ट आंसर अभी क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज द फोर्थ वन, रेगुलेटर्स, कन्फॉर्मर्स, पार्शियल रेगुलेटर, इट मीन्स ए इज द रेगुलेटर, बी इज द कन्फॉर्मर्स एंड सी इज द पार्शियल रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following are the most important climatic factors that regulate decomposition? Soil mixture and oxygen, temperature and oxygen, temperature and soil mixture, light and oxygen. तो करेक्ट आंसर जो है बच्चों आपका, that is the third one, temperature and soil moisture. Next question number 156, match the following columns, column 1, column 2, Dodo Africa, Quagga Bali, Thylacine, Mauritius and three subspecies of tiger, Australia. तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका, दैट इज द फोर्थ वन, दैट इज आपका फर्स्ट का सी, सेकंड ए, थर्ड डी एंड फोर्थ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड द वाटर, इट मींस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, 1974, 1984, 1994 एंड 1987। तो जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, दैट इज द फर्स्ट वन, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज मेजर बायोडाइवर्सिटी लॉस, habitat fragmentation, over exploitation, co-extinctions and alien species invasions. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, that is the first one, habitat fragmentations. Four limbs of cat, lizard used in walking, four limbs of whale used in swimming, four limbs of bats used in flying are an example of analogous organ, vestigial organ, homologous organ या फिर convergent evolution. तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है बच्चों, that is the examples of homologous organs. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, ओनली लास्ट 20 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द पेपर, दैट इज द सेकंड मॉक टेस्ट पेपर, आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व थ्री मोर मॉक टेस्ट पेपर गाइस। नेक्स्ट है आपका, डार्विन्स फिंचेस आर अ गुड एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, कनेक्टिंग लिंक एंड अडैप्टिव रेडिएशन। सो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे बच्चों फोर्थ वन, दैट इज अडैप्टिव रेडिएशन।
One of the important consequences of geographical isolation is random creation of new species, no change in the isolated fauna, preventing speciation and speciation through reproductive isolation. So, correct answer hai bachcho yahan pe aapka, that is the fourth one, speciation through reproductive isolation. Question number 162, among the human ancestors, the brain size was more than 1000 cc in Homo habilis, Homo neanderthalensis and Homo erectus and Ramapithecus. So, correct answer hai bachcho yahan pe aapka second one, that is Homo neanderthalensis. Next question hai aapka, Jurassic period of the Mesozoic era is characterized by gymnosperms are dominant plants and first toothed birds appear, radiation of reptiles and origin of mammals like reptiles, dinosaurs become extinct and angiosperms appear and flowering plants and first dinosaurs appear. So, yahan jo aapka correct answer hai bacho, that is the first one, gymnosperms and dominant plants and first toothed birds appear. Question number 164, what kind of evidence suggested that man is more closely related with chimpanzee than with other hominoid apes? Options hain, comparison of chromosome morphology only, evidence from fossils remain and the fossil mitochondrial DNA alone. Third hai aapka option, evidence from DNA extracted from sex chromosome, autosomes and mitochondria. Fourth option hai aapka, evidence from DNA from sex chromosomes only. To yahan pe aapka jo correct answer hai bacho, That is the third one, evidence from DNA extracted from sex chromosome, autosomes and mitochondria. So, third option is correct here. Next question hai aapka, choose incorrect statement about multiple ovulation embryo transfer technology, that is MOET. So, MOET is a program for herd improvement. This technology has been demonstrated for cattle, sheep, rabbits, buffaloes, mares, etc. In this method, a cow is administered with FSH-like hormone, and the fertilized eggs at 8 to 32 cells stages are recovered surgically and transferred to surrogate mothers. So, yahan pe aapka correct option hoga bacho, that is the fourth one, the fertilized eggs at 8-32 cells stage are recovered surgically and transferred to surrogate mothers. Question number 166, in dairy milk yield is primarily dependent on stringent cleanliness and hygiene of cattle, processes and systems that increases yield and improve quality of milk, quality of breeds in the farm and quality of fodders. So, correct answer hai bacho, that is the third one, quality of breeds in the farm. Next question hai aapka, which structure is responsible for the division in fertilized egg? Centriole of ovum, proximal centriole of sperm, distal centriole of sperm and karyomer. So, correct answer hai bacho aapka, that is the second one, proximal centriole of sperm. Primary structure which helps in formation of placenta is York sac, chorion, amnion, allantois. So, correct answer hai aapka yahan pe bacho, second one, that is chorion. Next is a diagrammatic representation. So, yahan pe aapko A, B, C, D kya hai, ye aapko batana hai. Yahan pe aapko A, B, C, D ke name diye hue hai and these are your options. So, yahan pe jo aapka correct option hoga bacho, that is the second one. Primary follicle is the A, graafian follicle is the B and tertiary follicle is the C and D is the corpus luteum. So, second option jo hai wo aapka correct hoga. Clear guys? Next question hai aapka, that is question number 170. Last 10 questions of my mock test paper, second. Transfer of an ovum collected from a donor into fallopian tube is called ZIFT, GIFT, AI and IUI. So, correct answer hoga aapka bacho, second one, that is GIFT. For a normal fertility, sperms must have 60% normal shape and 40% vigorous, 40%. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो आपका फर्स्ट होगा, दैट इज द 60% जो है वो नॉर्मल शेप होना चाहिए एंड 40% आर हैविंग वाइग्रस मोटिलिटी. क्लियर? व्हिच, ये क्वेश्चन भी आपका एनटीए में आया हुआ था इसलिए मुझे सीधे करेक्ट आंसर इसका याद आ गया. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज, लिप्स लूप, CU7, प्रोजेस्टेस्टर्ड एंड मल्टीलोड 375. ये क्वेश्चन भी एनटीए पेपर 19 में ही आया हुआ है और ये 171 आपका 18 या 17 में आया हुआ है. तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, प्रोजेस्टेस्टर्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेजर कॉज ऑफ एफएसएच एंड एलएच सर्ज एट द एंड ऑफ प्री ओव्यूलेटरी फेजेस, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज्ड फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम, एस्ट्रोजन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम, एस्ट्रोजन फ्रॉम थीका इंटरना, नेगेटिव फीडबैक ऑफ एलएच एंड एफएसएच. तो करेक्ट आंसर है आपका बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, एस्ट्रोजन फ्रॉम थीका इंटरना. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज द डायग्राम अगेन, हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी. ओके,
सो यहाँ पे आपको दे रखे हैं ऑप्शन, सो ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये आपका डी है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द सेकंड वन, दैट ए इज द यूट्रस एंड बी इज द यूरिनरी ब्लैडर, सी इज द यूरेथ्रा एंड फोर्थ इज द, यानी कि डी इज द वजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, स्टडी द फ्लो चार्ट शोन बिलो एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस विच गिव्स करेक्ट वर्ड्स फॉर ऑल फोर ब्लैंक्स ए बी सी डी। ओके, ये आपको चार्ट दे रखा है, ये स्पर्म है, ये ओवम है, फ्यूजन होने के बाद में ए बनता है, देन आफ्टर बी इन फेलोपियन ट्यूब, देन सी एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन एंड डी फॉलो प्रोसेसेस इन विच ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स अकर्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज द सेकेंड वन, जाइगोट इज द जाइगोट, बी इज द मोरूला, सी इज द ब्लास्टोसिस्ट एंड डी इज द गैस्ट्रोला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 176, आइडेंटिफाई ए बी एंड देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन। तो ए बी आइडेंटिफाई करना है एंड बी आइडेंटिफाई करना है और उनके रिस्पेक्टिव फंक्शन ये दे रखे हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा बच्चों आपका, दैट इज द फर्स्ट वन ट्रोफोब्लास्ट, बी ए हो गया आपका ट्रोफोब्लास्ट, बी हो गया इनर सेल मास और ए का फंक्शन अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड बी का फंक्शन हो गया डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, पोमेटो हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो का फ्यूजन होता है ये बच्चों। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन पोटैटो एंड टोमेटो, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन ब्रीडिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। यहाँ पे इसे कंफ्यूज मत होइएगा, दैट इज द केस ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सो बी ऑप्शन यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज द वैरायटी ऑफ बीट सोनालिका, पूसा वारनेम, हिमगिरी, जया, पूसा कोमल एंड आई आर 8। 3, 1, 2, 5 आर द ऑप्शंस हियर। आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट टू क्वेश्चन है बच्चों इस मॉक टेस्ट पेपर सेकंड के। कंसीडर द टेबल गिवन बिलो, क्रॉप दे रखी है, वैरायटी दे रखी है, इंसेक्ट पेस्ट दे रखा है। तो आपको ए फिल आउट करना है, बी एंड सी फिल आउट करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट फिलअप्स विद द रिस्पेक्टिव ब्लैंक ए टू सी। तो यहाँ आपको ए बी सी दे रखा है और ये आपके ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज ए इज द ब्रैसिका एंड बी इज द पूसा सैम 2 एंड सी इज द शूट बोरर। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट पेपर 2 और ये क्वेश्चन है आपका, हिमगिरी इज अ वैरायटी ऑफ वीट, इट इज रेजिस्टेंट फॉर व्हाइट रस्ट, लीफ रस्ट, ब्लैक रॉट एंड लीफ कर्ल। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज द व्हाइट रस्ट। और इसी के साथ ही आपका मॉक टेस्ट पेपर 2 खत्म होता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर की तरफ बच्चों। चलिए, आपको अगर लग रहा है कि ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है तो एक लाइक इसे जरूर करिएगा बच्चों। तो अब देखते हैं क्विक रिवीजन मॉक टेस्ट पेपर 3 और इसमें क्या क्वेश्चंस हैं, क्या आंसर है उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, आइडेंटिफाई फिगर्स ए बी सी डी एंड डी, ए बी सी एंड डी, यस, आइडेंटिफाई फिगर्स ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे आपको डायग्राम्स दे रखे हैं ए बी सी एंड डी और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा किसका नेम है। तो आपको जो सी वाला है ये आपको साफ दिख रहा होगा कि दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सी पे किसमें बैक्टीरियोफेज दे रखा है बच्चों, आपके ए ऑप्शन में दे रखा है एंड थर्ड ऑप्शन में भी दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका डी ऑप्शन है, दैट इज, डी ऑप्शन क्या होगा बच्चों आप लोग देख करके बता सकते हैं, डी ऑप्शन जो होगा बच्चों, दैट इज द डिवाइडिंग बैक्टीरिया एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज द थर्ड ऑप्शन, दैट ए इज द एस्परजिलस, बी इज द पैरामीशियम, ये भी पहचान गए होंगे, सी इज द बैक्टीरियोफेज एंड डी इज द डिवाइडिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई इज एब्जॉर्प्टिव, होलोजोइक, होलोफिटिक एंड मिक्सोट्रॉफिक। तो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज द फर्स्ट वन, एब्जॉर्प्टिव। सम कैरेक्टर्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ देम आर ट्रू फॉर द रेड एल्गी। तो ऑप्शन है आपके पास में, गैमीट ऑप्शन नहीं है, ये आपके पास में कैरेक्टर्स दे रखे हैं। गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, फॉर्म कोरल रीफ्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस एंड आइसोगैमस और ऊगैमस एंड रिप्रोड्यूस बाय गैमेटिक मियोसिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके पास में, उन ऑप्शन को देख लीजिए, ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी एंड बी एंड डी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फर्स्ट वन, ए एंड बी। तो गैमीट्स आर नॉन मोटाइल एंड जो बी है दैट इज फॉर्म कोरल रीफ। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ट्रू हैं रेड एल्गी को लेकर के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ बीजीए इज सिमिलर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग हर्बेरियम। स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन एन एरिया। एंड फोर्थ है आपके पास में हर्बेरियम, हर्बेरियम शीट बिकम रिपोजिटरी फॉर द फर्दर यूज। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन एन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स द गैमेटोफाइट इज वैस्कुलर, मोनोसियस, डायसियस एंड डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट्स। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द सेकंड वन, मोनोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉप और पिलर रूट्स इन बनियन ट्रीज आर फैसिकुलेटेड रूट्स, टैप रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स, सेकेंडरी रूट्स। तो एडवेंटिशियस रूट पे बहुत बार क्वेश्चन आता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो आपका थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर भी वही करेक्ट है, क्योंकि ये जो रूट टाइप होता है दैट इज एक्चुअली एडवेंटिशियस रूट। एंड ये क्वेश्चन आपका एनटीए पेपर में कई बार रिपीट हुआ है इस टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परसिस्टेंट कैलेक्स इज द कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू सोलेनेसी, फैबिएसी, क्रूसीफेरी एंड पोएसी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फर्स्ट वन, सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द लेबलिंग ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर शोइंग सेक्शन ऑफ द रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है, आपको ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये सारा बताना है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द सेकंड वन, ए जो है वो आपका कॉर्टेक्स हो गया, जो बी है आपका वो प्लीरोम हो गया, सॉरी प्रोटोडर्म हो गया, एंड जो सी है आपका बच्चों वो रूट कैप हो गया, और जो डी है बच्चों आपका दैट इज द सेंट्रल सिलेंड्रल हो गया। ओके, सेंट्रल सिलेंडर, ओके, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइपोडर्मिस इज डैश इन कुकुरबिटा स्टेम एंड डैश इन मेज स्टेम। तो यहाँ ऑप्शन है आपके पास में, पैरेन्काइमेटस, कोलेन्काइमेटस, कोलेन्काइमेटस, स्क्लेरेन्काइमेटस, स्क्लेरेन्काइमेटस, कोलेन्काइमेटस, स्क्लेरेन्काइमेटस एंड पैरेन्काइमेटस। तो यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों सेकंड वन, दैट इज द कोलेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस। सेक्स पिलाई इज हेल्पफुल इन ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड माइक्रो एंड माइग्रेशन। तो यहाँ करेक्ट आंसर है आपका, दैट इज द कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट है मोस्टली मेराइन, अपीयर येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ब्लू, रेड कलर, फोटोसिंथेटिक सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है आपको, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास में, डायटर्म्स, क्लोरेला, डिनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिना। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द सेकंड वन, डिनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड गिव द आंसर्स। वॉल्स ऑफ गोल्डन एल्गी आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड गोनियोलेक्स मेक द सी अपीयर रेड। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा एंड यूग्लिना ओनली बिहेव लाइक ऑटोट्रॉफिस। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और कौन से स्टेटमेंट्स आपके इनकरेक्ट हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द सेकंड वन, बिकॉज स्टेटमेंट ए, बी एंड सी आर करेक्ट एंड डी इज द इनकरेक्ट। ओके, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिथेनोजेंस एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे आपको दे रखा है, दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप आर्किबैक्टीरिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट, दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, दे आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक। तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द सेकंड वन, क्योंकि जो स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है एंड थर्ड जो है वो मिथेनोजेंस को लेकर के रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 105, सेलेक्ट ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नॉस्टॉक, डायटम, क्लेमाइडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, मिथेनोजेंस, स्लाइम मोल्ड्स, म्यूकर, स्लाइम मोल्ड्स, मशरूम, साइकस, सिलाजिनेला एंड पैरामीशियम। तो यहाँ जो करेक्ट स्टेटमेंट आएगा बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, साइकस, सिलाजिनेला एंड पैरामीशियम। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 106, द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म आर एंड आर डैश एंड इन एंजियोस्पर्म्स आर डैश. ऑप्शन है एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द सेकंड वर्म, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ए बी सी डी. ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड दिस इज द डी. ये टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटेटो एंड न्यूमेटोफोर्स. तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं. टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटेटो गेट स्वॉलन एंड स्टोर फूड. न्यूमेटोफोर्स हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन. न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन द प्लांट्स दैट ग्रो इन सैंडी सॉइल्स एंड ए बी सी आर अंडरग्राउंड रूट्स बट डी ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट सॉरी यहाँ पे आपसे करेक्ट नहीं पूछ रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. तो जो यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि जो न्यूमेटोफोर्स हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, सैंडी सॉइल में क्या पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द थर्ड वन, बिकॉज इट्स अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों 108, स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू पोटैटो, कोलकेसिया, जिंजर, टर्निप. तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका, दैट इज द टर्निप इज करेक्ट हियर. Which one of is developed after process of de-differentiation? Marginal meristem, intrafascicular cambium, interfascicular cambium and phalloderm. तो correct answer है बच्चों आपका third one, that is interfascicular cambium. Y-shaped arrangement of xylem vessels is found in monocot root, dicot stem and monocot stem. तो correct answer है बच्चों आपका monocot stem. Next question है, diatoms have left behind large amount of cells wall which deposits in their habitat, this accumulation of years referred to as dynamite, fruiting body, kieselgur and endospore. तो correct answer होगा बच्चों यहाँ पे आपका third one, that is kieselgur. Okay, next question आपका क्या है? Study the following table with which shows different organism with their taxonomic category. तो यहाँ आपको common name दे रखे हैं man, housefly, mango, wheat and family दे रखी है man की hominidae, order primata, mammalia, class and phylum आपको बताना है. तो मैन का फाइलम क्या होगा बच्चों, आप सभी को पता होगा दैट इट इज कॉर्डेटा. ठीक है, तो ए पे आपका क्या आ जाएगा, कॉर्डेटा आ जाएगा. ओके, फिर आपका हाउस फ्लाई दे रखा है. हाउस फ्लाई जो है आपका, इसकी फैमिली जो है मस्किडी है, डिप्टेरा है और बी आपको क्लास इसकी बतानी है, तो क्लास इसकी हो जाएगी इंसेक्टा एंड फाइलम ऑर्थोपोडा हो गया. मैंगो में आपको फैमिली बतानी है, तो फैमिली इसकी होती है ना एनाकार्डियेसी होती है इसकी फैमिली, दैट इज एनाकार्डियेसी. एंड उसके बाद जब आपका वीट की बात करते हैं, तो वीट की क्लास कैसी होती है बच्चों, मोनोकॉटलिडनरी होती है. ठीक है, मोनोकॉटलिडन होता है ये. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मिसमैच क्रोमेटोफोर ब्लू ग्रीन एल्गी लैक सेल वॉल माइकोप्लाज्मा सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट बेसिडियोमाइसीट्स एंड प्रोटीन कोट प्रेजेंट्स वायरॉइड्स. तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, प्रोटीन क्रोट्स आर प्रेजेंट वायरॉइड्स. क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. ऑप्शंस आपके पास में है, फर्स्ट वन है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फर्स्ट वन, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर. Which one of the following living organism completely lacks cell wall? Archaebacteria, PPLO, heterocyst या फिर Saccharomyces. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, that is the PPLO because it completely lacks cell wall. So यहाँ पे B option जो है आपका second option वो करेक्ट होगा. Next question है आपका, which one is an incorrectly matched pairs? Phycomycetes, mucor, albugo, ascomycetes, penicillium, aspergillus, basidiomycete, Puccinia, agaricus. एंड ड्यूट्रोमाइसीट्स पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलागो एंड कॉलिट्राइकम. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, ड्यूट्रोमाइसिटस, ऑस्ट्रेलागो एंड कॉलिट्राइकम. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 117, स्टेम टेंड्रिल्स डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड. स्टेम टेंड्रिल्स आर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कुकुम्बर, पी, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द पी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेप्लम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर, पी, लेमन एंड मस्टर्ड. तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, मस्टर्ड.
कॉर कैम्बियम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम एंड मार्जिनल मेरिस्टम। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बच्चों लैटरल मेरिस्टम। क्वेश्चन नंबर 120, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मिस इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स, अल्फा सेल्युलोज, पेक्टिन एंड लिग्नोसुबेरिन एंड क्यूटिन। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द थर्ड वन, लिग्नोसुबेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉडी ऑफ फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी एंड नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज फ्रूटिंग बॉडी, माइसीलियम, डाइकैरियन या स्पोरोजोआ। तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द सेकंड वन, माइसीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फिगर्स ए बी सी एंड डी। तो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है एंड डी क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा आपका फोर्थ वन, दैट ए इज द टीएमवी, बी आपका क्या है नॉस्टॉक है, और जो आपका सी है बच्चों दैट इज द एगारिकस, एंड जो डी है आपका यूग्लीना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको देखते ही आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स ऑन द लिस्ट गिवन बिलो आर N2 फिक्सर ऑटोट्रॉप्स, एजिटोबैक्टर, क्रोमेटियम, एजोस्पाइरलम, रोडोस्पाइरलम, राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, ओलोसिरा, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। तो यहाँ ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका दैट इज द थर्ड वन, 5। Which of the following is not the defining properties of living organisms? Growth, cellular organization, metabolism and consciousness. तो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द फर्स्ट वन, ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांटी किंगडम इंक्लूड BGA, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी। सेकंड ऑप्शन है ग्रीन एल्गी, कल्प्स, रेड एल्गी। थर्ड ऑप्शन है ब्राउन एल्गी, कल्प्स, BGA। फोर्थ ऑप्शन है गोल्डन एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका दैट इज द सेकंड वन, ग्रीन एल्गी, कल्प्स एंड रेड एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 126, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिबल एस्कोमाइसीड्स। फर्स्ट ऑप्शन है मोरल्स एंड मशरूम्स, सेकंड वन इज द ट्रफल्स एंड टॉडस्टूल, थर्ड वन इज द मोरल्स एंड ट्रफल्स एंड फोर्थ वन इज द पफ बॉल एंड मशरूम। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द थर्ड वन, मोरल्स एंड ट्रफल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 127, इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिसैंथेमम द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल and underground portion of main stem and then come obliquely upward giving rise to leafy shoots. These branches are called runner, sucker, napiform and phylloclade. तो यहाँ पे जो आपका correct answer होगा बच्चों वो होगा second one, that is the sucker. Next question है आपका the floral formula, ये आपको floral formula दे रखा है और पूछ रहा है कि ये किसका floral formula है, tobacco, tulip, soybean and sun hemp. तो यहाँ correct answer होगा बच्चों that is the first one. बच्चों ये तो वीडियो था आपका जिसमें मैंने डायरेक्टली क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताए हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा। बहुत अच्छी तरह से मैंने उसमें डिफाइन किया है पेपर्स को, और वो ये मॉक टेस्ट पेपर्स को नहीं डिफाइन किया, मैंने दूसरे मॉक टेस्ट पेपर को डिफाइन किया है। इन वाले मॉक टेस्ट पेपर में आपको जिन क्वेश्चंस पर प्रॉब्लम हो रही है यू कैन कमेंट में आप मुझे बताइए कि आपको किन क्वेश्चंस पर प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अगर लगेगा मुझे कि हाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं उनके लिए एक एक्सप्लेनेशन का अलग वीडियो बना दूंगी उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का जिनमें आपने प्रॉब्लम फेस करी, ठीक है। और आगे के वीडियोस जो आपके आने वाले हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन, और वो भी सारे मॉक टेस्ट पेपर होंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना बच्चों। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे हैं एग्जाम में तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने क्विक रिवीजन के वीडियोस बनाया है या ये पर्टिकुलर वीडियो की जो मैं बात कर रही हूँ कि आप जिसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताया है, अगर आपको लगता है कि ये आपके रिवीजन में हेल्प करता है, क्विक रिवीजन आपको देता है, तो मुझे बताइएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसा और वीडियो बना सकूं जिसमें आपके क्विक रिवीजन के बारे में बताऊं और आपको MCQs और डायरेक्टली आंसर्स के बारे में बताऊं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 है आपका, दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पैरेन्काइमा, इट इज अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू एंड इट फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन, इट्स सेल मे बी स्फेरिकल, ओरल, राउंड, पॉलीगोनल और एलोंगेटेड इन शेप, इट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर प्लांट बॉडी, इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सेक्रीशन एंड सिक्स्थ है आपका सेल वॉल ऑफ सेल्स ऑफ दोज टिश्यू कंपोज ऑफ सेल्यूलोज। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चों दैट इज द सेकंड वन, यहाँ पे जो आपका सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिवन बिलो डायग्राम इज द पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन अबाउट देम। ये आपको ए है, ये बी सी एंड डी दे रखा है,
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा आपका सेकेंड वन, जो आपका ए पार्ट है दैट इज द एपिडर्मिस, बी वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री सेल, सी वन इज द कॉर्ड कैम्बियम और जो डी है वो आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ए टू डी केयरफुली। ए है आपका वायरसेस एंड वायरॉइड्स आर एज वेल एज द लाइकेंस आर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन किंगडम एनिमेलिया इज होलोफिटिक। फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, बेसिडियोमाइसिट एंड ड्यूट्रोमाइसिट्स आर द फोर फैमिलीज ऑफ किंगडम फंजाई। बैक्टीरिया आर कॉस्मोपोलाइटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। रिमेंबर नॉट करेक्ट कह रहा है बच्चों, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट है दैट टू स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 132, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर आर्किबैक्टीरिया मोस्टली ऑब्लिगेट एनारोब, लैक्टोबैसिलस फैकल्टेटिव एरोब, माइकोप्लाज्मा फैकल्टेटिव एरोब एंड क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम ऑब्लिगेट एनारोब। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द माइकोप्लाज्मा फैकल्टेटिव एरोब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। फ्लोरल मैनुअल मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। सेकंड है आपका टू किंगडम सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अकॉर्डिंग टू आरएच बिटेकर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी एंड माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो है थर्ड वन, दैट अकॉर्डिंग टू आरएच बिटेकर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी। ये स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनिमल्स मैमल्स डॉग्स आर ऑल टैक्सा बट यू नो द डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स एंड देयरफॉर एनिमल्स मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट सेम लेवल्स, टैक्सा टैक्सोन एट डिफरेंट लेवल, टैक्सा विच हैव सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड टैक्सा एट डिविजन लेवल। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द सेकेंड, टैक्सा टैक्सोन एट डिफरेंट लेवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचिंग का है, कॉलम वन आपको कॉलम टू दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट मैच क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ए जो है वो आपका मैच करेगा डायटम से, बी डायनोफ्लैजिलेट्स जो है वो आपका गैनोकोलिक से मैच करेंगे, अभी पहले भी आया था क्वेश्चन इस टाइप का, एंड यूग्लिनॉइड जो है बच्चों वो आपके यूग्लिना से मैच करेंगे एंड प्रोटोजोन में आपके पैरामीशियम आ जाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंथ्रीडियोपोर्स एंड आर्चिगोनियोपोर्स आर प्रेजेंट इन सम ब्रायोफाइट्स। Origin of his seed habitats can be traced in pteridophytes. In some bryophytes, gametophyte is leafy, and in gymnosperms, female gametophyte is free living. तो यहाँ जो आपका correct answer होगा बच्चों, that is the fourth one. In gymnosperms, female gametophyte is free living. ठीक है? Next question है आपका, identify the order where plants show alternate opposite and hold phyllotaxy. तो China rose, calotropis, and nerium. China rose, nerium, and calotropis. नीरियम, कैलोट्रोपिस एंड चाइना रोज एंड कैलोट्रोपिस चाइना रोज एंड नीरियम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द फर्स्ट वन, चाइना रोज, कैलोट्रोपिस एंड नीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरीगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन रोज, ग्वावा, कुकुम्बर, चाइना रोज। तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका फर्स्ट वन, दैट इज द रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, ये डायग्राम दे रखा है, डैश इज अ डेड मैकेनिकल टिश्यू। तो यहाँ पे आपकी बार आपके पास में ऑप्शन में जो है वो डायग्राम है और आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो डेड मैकेनिकल टिश्यू है। तो आपको दिख रहा होगा जो थर्ड वाला है दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। व्हिच इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम, स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस एंड वेल डेवलप्ड पिथ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द फोर्थ वन, वेल डेवलप्ड पिथ। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ में मॉक टेस्ट पेपर नंबर जरूर मेंशन करना बच्चों, अदरवाइज सब में सेम ही नंबर है, सभी 90 से शुरू हो रहे हैं और आपके एंड में जा रहे हैं तो वहां तक सबके सेम नंबर आ रहे हैं, तो इसलिए आप 180 तक क्योंकि सेम है सब में, तो आप जो भी मेंशन करना क्वेश्चन नंबर तो या तो क्वेश्चन मेंशन करिए और या तो क्वेश्चन नंबर के साथ में मॉक टेस्ट पेपर को भी मेंशन करिएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द इनकरेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग, मोस्टली बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉपिक, मोस्टली बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक, सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, सम बैक्टीरिया आर कीमोसिंथेटिक। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द सेकंड वन, मोस्टली बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टोर्ड फूड ऑफ ग्रीन एल्गी इज स्टार्च, ग्लाइकोजन, लैमिनेरियन एंड लेनकोसिन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द आपका फर्स्ट वन, स्टार्च। Let us consider Magnifera indica, Solanum tuberosum and Panthera leo. The first words Magnifera, Solanum, Panthera are name of species, specific epithet, generic name या फिर biological name.
तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द थर्ड वन, जेनेरिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स आर एंडोजेनस, जू स्पोर, एप्लानोस्पोर, कोनिडिया, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज द 2, 3। एंड विच वन इज मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, कैटकिन, स्पेडिक्स, कोरियम्ब एंड कैपिटुलम। तो यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों आपका दैट इज द 4th one, कैपिटुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द इनकरेक्ट मैच, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स, बायलेटरल सिमेट्री, पी गुलमोहर, बीन कैसिया, ए सिमेट्रिक इररेगुलर फ्लावर कैना, इन्फीरियर ओवरी पी एंड सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस फ्लावर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द इन्फीरियर ओवरी पी। एंड 148 क्वेश्चन नंबर, एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पलरी कार्पस गाइनोशियम, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनोशियम एंड कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस एंड मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द 2nd one, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनोशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन डैश प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स सेंटर एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी, सच एन अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एज वाई, एक्स स्टेम, वाई एक्सार्च, एक्स रूट, वाई एंडार्क, एक्स रूट, वाई एक्सार्क एंड एक्स स्टेम एंड वाई एंडार्क। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द 4th one, एक्स स्टेम एंड वाई एंडार्क। क्वेश्चन नंबर 150, इन अ डोर्सोवेंट्रल लीफ लोकेशन ऑफ स्पंजी पैरेन्काइमा एंड जाइलम इज रिस्पेक्टिवली ऑन द डैश सर्फेस। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, एडैक्सियल एंड अबैक्सियल, अबैक्सियल एंड एडैक्सियल, एडैक्सियल एंड अडैक्सियल, अबैक्सियल एंड अबैक्सियल। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द 2nd one, अबैक्सियल एंड अडैक्सियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोजैक डिजीज ऑफ बी। तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन ए, बी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दे रखा है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द 1st one, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स ए टू डी केयरफुली, इन 5 kingdom क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटेस्टा, बैक्टीरिया मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई शो अ ग्रेट डायवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट एंड द किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, रिमेंबर नॉट करेक्ट कह रहा है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द 4th one, वन सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन प्लांट एग्स स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कोरेलॉइड रूट्स एंड एसोसिएटेड विद एंटू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड एंड पिन्नेट कंपाउंड लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर, इन इट मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, आइडेंटिफाई द प्लांट एग्स इन द गिवन डायग्राम्स। ओके, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बच्चों ए, बी, सी, डी आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द क्वेश्चन नंबर 153 का 2nd option आपका करेक्ट होगा दैट इज द बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईच रैंक और टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर। तो ऑप्शन आपके पास में बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, सिमिलर बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स एंड सिमिलर बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द 1st one, डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट्स, वायरस कंटेंस इधर डीएनए और आरएनए, ड्यूट्रोमाइट सीड्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड यूग्लिना हैव ओनली वन फ्लैजिलम। तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका 4th one दैट इज यूग्लिना हैव ओनली वन फ्लैजिलम। क्वेश्चन नंबर 156, अमंग पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेसिया, कैरेट, जमीकन, रेडिश, पंपकिन एंड पिट्यूनिया, हाउ मेनी प्लांट्स एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। तो ऑप्शन आपके पास में 4, 5, 7, 8 दे रखा है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बच्चों दैट इज द 2nd one, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेट्राडायनेमस 2 short and 4 long stamens condition is seen in salvia, mustard, datura and china rose। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका 2nd one that is a mustard। Tricarpillary syncapus gynoecium is found in liliaceae, solanaceae, fabiaceae and cruciferae। तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका that is the liliaceae। Select the incorrect pair out of the following टाइप ऑफ द टिश्यू फंक्शन। तो यहाँ पे आपको टिश्यूज दे रखे हैं, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम एंड स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। सो
आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको मैच बताना है, इनकरेक्ट पेयर आपको जो है वो फाइंड आउट करना है और बाकी के जो पेयर्स होंगे वो आपके करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहा होगा आपको जो कॉलन काइमा एंड स्टोरेज ऑफ फूड है बच्चों, ये आपका इनकरेक्ट पेयर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ डाइकॉट स्टेम विच शो सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी जाइलम गेट क्रश्ड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम बिकेम परसिस्ट आउटसाइड ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, न्यू सेकेंडरी जाइलम रिमेन्स क्लोजर टू वैस्कुलर कैम्बियम एंड ओल्ड सेकेंडरी जाइलम रिमेन क्लोजर टू प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी मेड्युलरी रेज फॉर्म इन ओनली सेंट्रिपिटल मैनर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बच्चों थर्ड वन, दैट इज न्यू सेकेंडरी जाइलम रिमेन्स क्लोजर टू वैस्कुलर कैम्बियम एंड ओल्ड सेकेंडरी जाइलम रिमेन क्लोजर टू प्राइमरी जाइलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 161, फर्स्ट है फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन एनवायरमेंट, सेकंड है माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन, फिर इंडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल एंड चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका थर्ड वन, दैट इज द डायटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर टोटल फैमिलीज ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर 202, 34, 199 एंड 3। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द फोर्थ वन, मतलब थ्री फैमिलीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली इन फॉलोइंग पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इजली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर एज द बेस्ड ऑन ऑल डैश कैरेक्टरिस्टिक्स डैश आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसेस्ड। तो यहाँ पे आपके पास ए और बी दे रखा है, एक्सटर्नल कोड्स ऑब्जरेबल नंबर्स एंड ऑब्जर्वेबल नंबर एंड कोड्स एंड मॉर्फोलॉजिकल्स नंबर एंड कोड्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द थर्ड वन, ऑब्जर्वेबल नंबर एंड कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड्स आर यूजफुल ओनली इन केस ऑफ प्लांट्स, हर्बेरियम कीज, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन एंड म्यूजियम। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर दिख गया होगा, ओनली थ्री आर इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 165, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट्स रिगार्डिंग डेवलप्ड गैमेटोफाइट, ऑप्शन है ब्रायोफाइटा टेरिडो एल्गी, एनजीओ ब्रायो जिम्नो, जिम्नो टेरिडो ब्रायो एंड एल्गी ब्रायो एंड एनजीओ। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों दैट इज द थर्ड वन, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा एंड आफ्टर दैट ब्रायोफाइटा। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉटन, कैलोट्रोपिस, कैसिया एंड चाइना रोज। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द थर्ड वन, कैसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 167, मैच द कॉलम, आपको मैच करना है यहाँ पे और ये डायग्राम्स है, कॉलम वन है, टू है एंड थ्री है, तीनों कॉलम्स को आपको मैच करना है, नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो आपका है फर्स्ट वन, आपका जो ए है वो जाएगा आपका पहले फिफ्थ के साथ में, देन आफ्टर वो जाएगा आपका फिफ्थ के साथ में पी, देन आफ्टर एग्जाइल वाला जो है यानी कि जो बी है वो जाएगा सेकेंड के साथ में आपके, और उसके बाद वो आगे जाएगा फोर्थ के साथ में, ठीक है। जो आपका थर्ड वाला है बच्चों पेराइटल है तो वो पहले आपका जाएगा फर्स्ट के साथ में, ओके, और फिर उसके बाद में वो जाएगा वापस से थर्ड के साथ में, देन आफ्टर जो आपका फ्री सेंट्रल है यानी कि जो डी वाला है वो आपका जाएगा पहले थर्ड के साथ में बच्चों, ओके, और उसके बाद में आपका जाएगा सेकंड के साथ में डायंथस प्रिमरोज के पास, उसके बाद जो ई है आपका बेसल वो जाएगा आपका सबसे पहले फोर्थ में, और उसके बाद हमारा कौन सा बच रहा है बच्चों दैट इज द फर्स्ट वन, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स, फुली डिफरेंशिएटेड सेल्स, डेड सेल्स एंड इमैच्योर सेल्स विद पावर टू डिवाइड। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका इमैच्योर सेल्स विद पावर टू डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, तो यहाँ पे आपको दे रखा है स्टोमेटल अपैरेटस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ओपन वैस्कुलर बंडल एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द फर्स्ट वन, और यानी कि आप यहाँ पे इसको मैच करके देख सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, 30 मिनट्स ऑलरेडी इस क्वेश्चन के लिए हो चुके हैं आपके थर्ड मॉक टेस्ट पेपर के लिए, तो इसे हमें जल्द से जल्द फिनिश करना है। एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय ओनली स्प्रिंग वुड, ओनली ऑटम वुड, हार्ड वुड, वन रिंग ऑफ स्प्रिंग वुड एंड वन रिंग ऑफ ऑटम वुड। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द फोर्थ वन, वन रिंग ऑफ स्प्रिंग वुड एंड वन रिंग ऑफ ऑटम वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171 है आपका, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, हेलमेंथोस्पोरियम ओरिजी, लीफ स्पॉट ऑफ राइस, माइकोप्लाज्मा, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, ज़ैंथोमोनास ओरिजी, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस एंड ट्राइकोडर्मा एथलीट फूड डिजीज। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका दैट इज द फोर्थ वन, ट्राइकोडर्मा।
जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर डिवाइडेड डिविजन पर मैथोफाइटा इंटू थ्री फैमिलीज, थ्री सब डिविजन, टू सब किंगडम्स एंड थ्री क्लासेस. यहाँ करेक्ट आंसर है आपके बच्चों थ्री क्लासेस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट क्लास ड्यूट्रोमाइसीट्स. तो ऑप्शन है आपके पास में दे प्रोड्यूस, दे रिप्रोड्यूस बाई ए सेक्सुअल स्पोर, माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेपरेट, दे हैव ओनली पैरासिटिक फॉर्म एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास आर अल्टरनेरिया एंड कॉलीट्राइकम. तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका दैट इज द थर्ड वन, दे हैव ओनली पैरासिटिक फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर टैक्सा एट क्लास लेवल. प्लांट्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, मैमेलिया, डाइकोटिलेडोनी एंड डॉग, वीट, राइस, जॉइंटेड लेग्स एंड मैंगोज. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द थर्ड वन, थ्री. Some characters are given below, which of them are not true about the seed plants. They are both heterosporous, homosporous, gametophytes do not have an independent free living existence. They are phanerogams, all spermatophytes are not vascular plants. तो यहाँ पे जो आपका correct answer होगा बच्चों वो होगा third one, only A and D. Next question है आपका stilt roots grow from lower internode, lower nodes, upper nodes and upper internodes. तो यहाँ correct answer होगा बच्चों आपका second one, that is lower nodes. The characters of flowers which is represented by floral formula but not by floral diagram is estivation, placentation, position of gynoecium and addition of stamen. यहाँ correct answer है आपका बच्चों that is the third one, position of gynoecium. Next question है आपका both apical meristem and intercalary meristems are dash meristem, primary, secondary, lateral या फिर partially primary and partially secondary. तो यहाँ जो आपका correct answer है बच्चों that is the first one, primary. Select the incorrect pair from given below. Radial vascular bundle, xylem and phloem on different radius. Conjoint vascular bundle, xylem and phloem on same radius. Ampivessel vascular bundle, phloem surround to xylem. And bicollateral vascular bundle, phloem present both side of xylem. तो यहाँ जो correct answer होगा बच्चों that is the third one. Ampivessel vascular bundle, phloem surround to xylem. Next question number 180 है आपका. Collectively term for phellem, phellogen and phelloderm is. राइटिडोम, कॉर्क, पेरिडर्म एंड बार्क. तो करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पे पेरिडर्म. और इसी के साथ ही आपका जो थर्ड मॉक टेस्ट पेपर है बच्चों वो कंप्लीट हुआ. अब हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट पेपर फोर. आप लोग शेयर जरूर करिएगा एक्सपीरियंस कि आप लोगों को इससे कैसे हेल्प मिली, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं रहा. और बाकी प्रॉब्लम जो आ रही है उसके लिए मैंने वीडियो में बताया हुआ है. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसके बाद वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरा वेल एक्सप्लेन मॉक टेस्ट पेपर आने वाला है. ओके, सो लाइक भी जरूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है. तो चलिए अब मूव करते हैं मॉक टेस्ट पेपर फोर की तरफ. ओके, ये है हमारा क्विक रिवीजन मॉक टेस्ट पेपर फोर. और चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अ न्यूरोलॉजिकल डिजीज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफलाइटिस बीएसई और मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रायोन, वायरॉइड वायरसेस या फिर पीपीएलओ. तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द फर्स्ट वन, प्रायोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स वंस एवरी मिनट एंड टेक्स 23 मिनट्स टू फिल अ बॉटल, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल हाफ बॉटल. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, ये क्वेश्चन आपसे कई बार आ चुका है इस टाइप का. तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द 22 मिनट. और आप आई थिंक समझ गए होंगे कि जब उसको पूरी फिल करने में 23 मिनट लग रहे हैं और वो हर मिनट में जस्ट डबल हो रही है, तो यानी कि 22 मिनट पे वो कैसी रही होगी, हाफ फिल्ड रही होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन बनाना प्लांट टाइप ऑफ स्टेम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इज रिस्पेक्टिवली. ऑप्शन है राइजोम एंड सकर, सकर एंड राइजोम, राइजोम एंड कॉम एंड राइजोम एंड स्टोलन. तो करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पे फर्स्ट वन दैट इज अ राइजोम एंड सकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों लिपिड्स मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड ओनली एंड डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड ओनली, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड ओनली, मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड ओनली. तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द फोर्थ वन, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड. क्वेश्चन नंबर 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. Jaundice, the liver is affected, skin and eyes turn blue due to the deoxygenated blood, vomiting, abnormal frequency of bowel movement, increased liquidity of the fecal discharge and physiological energy value of fat 10.45 kilocalorie per gram and kosher core protein deficiency. यहाँ जो correct answer होगा बच्चों आपका that is the fourth one, kosher core protein deficiency. Next question है आपका Parts A, B, C and D of nephron are shown in the diagram. Select the option which is incorrect with its function. A, B, C and D. A का काम है 70-80% water absorption. B को कह रहा है कि permeable to salts. C is selective secretion of H ion, potassium ions and maintain pH.
and D allows passage of a small amount of urea into medullary interstitium and help produce concentrated urine. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द सेकंड वन सी सिलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ एच आयन पोटेशियम आयंस एंड मेंटेन पीएच. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टर्म डीएनए रिफर्स टू. फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए फॉर्मिंग एंजाइम, मोर देन वन डीएनए, डीएनए ज्वाइनिंग एंजाइम एंड डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम. तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द फोर्थ वन. डीएनए इज यूजुअली व्हाट दे डू, दे डाइजेस्ट द डीएनए. Yes, यहाँ पे आप देखिए आपको हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट अबव फिगर, ये एक डायग्राम दे रखा है, बहुत सारे एनिमल्स हैं इसमें और यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इन इस डायग्राम को देखते हुए करेक्ट है. दीज आर प्लेसेंटल मैमल्स फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, दिस इज अ टाइप ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दे शो होमोलॉजी एंड दीज एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया. 1, 4, 3, 2. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कंस्टेंजा आउट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट -% 6% 18% 10% एंड 50%. तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द फोर्थ वन 50%. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, क्योटो प्रोटोकॉल, क्लाइमेट चेंज, रियो डी जेनेरियो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मिनी मैटर डिजीज, मर्क्यूरी एंड एयर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1987. तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका दैट इज द फोर्थ वन दैट इज इनकरेक्ट, एयर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन सॉरी पॉल्यूशन एक्ट 1987. क्वेश्चन नंबर 101, फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग्स. साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी और नॉट एल्गी एनीमोर एंड एल्गी ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर डिस्क्राइब्ड अंडर द किंगडम प्लांटी एंड नेचुरल सिस्टम गेव मोर वेटेज टू फ्लोरल कैरेक्टर देन वेजिटेटिव कैरेक्टर. And cytotaxonomy uses the chemical constituents of the plant cells to resolve confusions of taxonomy. So correct answer hai bachcho, fourth one that is the cytotaxonomy uses the chemical constituents of the plant cells to resolve confusions of taxonomy. Next question kya hai aapka? Which one of the following is most correct statement? Chromatin material tends to collect in a mass into two poles. Each set of chromatin materials tend to collect at each of the two poles. Each set of chromatin material tends to collect at one pole and chromatin material tends to collect in a mass at one pole. तो यहाँ पे आपका correct answer क्या होगा बच्चों? That is the second one. Next question है, in which type of inflorescence the main axis terminates in a flower and flowers are borne in basipetal order? Capitulum, corymb, racemos and cymos. तो जो correct answer होगा बच्चों? That is the fourth one, cymos. क्वेश्चन नंबर 104 है आपका, एनारोबिक रिस्पायरेशन इन ईस्ट डज नॉट प्रोड्यूस. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द इथेनॉल, CO2, ऑक्सिलोएस्टिक एसिड एंड एनर्जी. तो जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द थर्ड वन, OAA. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनारोबिक रिस्पायरेशन इन ईस्ट डज नॉट प्रोड्यूस इथेनॉल, CO2, OAA एंड एनर्जी. तो जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द अर्श, फैन चला दो जाके, आवाज गूंज रही है कमरे में. फैन चला जाइए, है मेरे पास. लेबल द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली, ओएसोफेगस एंड सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम एंड BACD आपको दे रखा है, आपको बताना है कि ये क्या है. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द सेकंड वन, ए इज द कार्डियक पार्ट, बी इज द फुंडिक पार्ट, सी इज द बॉडी एंड डी इज द पाइलोरिक पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रेज द P50 वैल्यू एंड शिफ्ट्स द HbO2 डिसोसिएशन कर्व टू राइट. तो यहाँ ऑप्शन है राइज इन PCO2, ऑप्शन नहीं है बल्कि आपके जो फैक्टर्स हैं जो आपको स्टेटमेंट दे रखे वो है fall in temperature, rise in HIN, fall in pH and fall in diphosphoglyceric acid. तो answer जो आपको दे रखे हैं वहां पे उसमें आपका जो correct option होगा बच्चों that is the third one, A and C are correct. Next question है आपका, which of the following sequence is most likely to be restriction enzyme recognition site? तो ये आपको चार sequences दे रखे हैं, इसमें जो correct answer होगा बच्चों that is the fourth one, GTC, GAC. Question number 108, On Galapagos Island, Darwin observed variation in beaks of birds, Darwin's finches, and he had concluded,
options you are having intraspecies variation, intraspecies variation, natural selection according to food habit and inheritance of acquired characters. तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द थर्ड वन नेचुरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 109 दैट इज द एनवायरमेंट और यहाँ पे आप ये देखिए आपको अबव गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट अ रिलेशन विद एनवायरमेंट. दिस रिलेशन इज नोन एज ऑटो इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड स्पीशीज इकोलॉजी एंड सेनिकोलॉजी. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द फोर्थ वन सेनिकोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 110. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग. रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज एंड मैच्योरिटी चिल्ड्रन ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम एलर्जी एंड एस्मा एंड स्प्लीन डज नॉट कंटेन मैक्रोफेजेस एंड एचआईवी रेप्लिकेट्स इन टी हेल्पर सेल्स. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द थर्ड वन स्प्लीन डज नॉट कंटेन मैक्रोफेजेस. क्वेश्चन नंबर 111. गो थ्रू द फॉलोइंग फिगर्स एंड आइडेंटिफाई दीज प्लांट्स ए बी सी डी. तो यहाँ पे आपको फोर प्लांट्स दे रखे हैं, इनके नेम पूछ रहा है आपसे. करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका सेकंड वन दैट ए इज द सिलाजनेला, बी इज द इक्विसिटम, एफ इज द फर्न एंड एफ इज द फर्न मींस आपका जो सी वाला है दैट इज द फर्न एंड डी इज द सेल्विनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग. दो कॉलम दे रखे हैं आपको, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम, और उनको आपको मैच करने के लिए कह रहा है. तो जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द सेकेंड वन. इट मींस आपका जो फर्स्ट है वो मैच कर रहा है किससे, एफ से मैच कर रहा है जीवन फेस से, एंड जो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमेटिड्स है वो आपका मैच कर रहा है डी से दैट इज एनाफेज, एंड डबलिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए मैच कर रहा है आपका थर्ड ए से, एंड जो आपका क्रोमोसोम लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स जो फोर्थ है आपका वो मैच कर रहा है बी से. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 113. इन एंजियोस्पर्म स्कूटुलम इज इक्विवेलेंट टू कॉटिलिडन, जाइगोट, स्पोरोफिल एंड स्पैथी. तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द फर्स्ट वन कॉटिलिडन. क्वेश्चन नंबर 114 है आपका एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन आर C2H5OH एंड O2, C2H5OH एंड CO2, CO2 एंड O2 एंड CO2 एंड पाइरूवेट. तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द सेकंड वन C2H5OH एंड CO2. क्वेश्चन नंबर 115 है आपका सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द सोर्स ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड इट्स फंक्शन. तो सोर्स दे रखा है ये आपको, यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा है. यहाँ पे आपके सोर्स में है एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन, ओवरी, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड फर्टिलाइजेशन, प्लेसेंटा, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन एंड पार्ट्यूरेशन एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन एंड मिल्क इजेक्शन. करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, uterine contractions and milk ejection. Next question है आपका question number 116. Each 100 ml of oxygenated blood, four statements दे रखे हैं. 3% of O2 is dissolved in blood plasma, 97% of O2 is bound to hemoglobin, 7% of CO2 is dissolved in blood plasma and 23% of CO2 is bound to hemoglobin. तो यहाँ पे आपको बताना है जो आपके पास में correct answer होगा बच्चों that is the first one A and B, that is the correct. Next question is 117. The cutting of DNA by restriction into nucleases results in the fragments of DNA. These fragments can be separated by the technique. Southern blotting, gel electrophoresis, autoradiography या फिर PCR. तो correct answer आप समझ गए होंगे यहाँ पे. Gel electrophoresis होता है अलग अलग molecular weight के DNA fragments को separate out करने के लिए. Question number 118. The factors which are known to affect Hardy-Weinberg equilibrium. जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका दैट इज द फोर्थ वन, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन ऑफ लेक ऑल्सो नोन एज क्लोज जोन वेयर ओनली हेटरोट्रॉप्स आर प्रेजेंट, लिम्नेटिक जोन, लिटोरल जोन, प्रोफोंडल जोन एंड ओपन जोन. तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द थर्ड वन, प्रोफोंडल जोन. क्वेश्चन नंबर 120 है, टेक अ ग्लांस ऑफ अ पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम गिवन बिलो As events A, B, C, D along with their description. Okay, यहाँ पे आपको दे रखा है और पूछ रहा है कि इनमें से कितने जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब हैं. तो ये सारे इवेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर. जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द थर्ड वन, थ्री इवेंट्स आर करेक्टली डिस्क्राइब्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इज हेट्रोस्पोरस इन नेचर, सिलाजनेला एंड सेल्विनिया, एडियंटम एंड इक्विसिटम एंड साइलोटम एंड लाइकोपोडियम एंड एडियंटम एंड साइलोटम. सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों दैट इज द फर्स्ट वन, सिलाजनेला एंड सेल्विनिया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइजोसोम,
ER to Golgi body is 2L and Golgi body is ER 2L, L stands for the lysosome. Nucleus Golgi body is to the lysosome and mitochondria ER Golgi bodies and lysosome. तो जो correct answer है बच्चों आपका that is the first one, ER to Golgi bodies and lysosome then after. Next है question number 123, quiescent center of root meristem serves as site of food storage, reservoir for growth hormone and reserve for replenishment of damaged cells of meristem and help in absorption of water. तो जो correct answer होगा बच्चों that is the third one, reserve for replenishment of damaged cells of meristem. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विल्टिंग ऑफ प्लांट रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपायरेशन. तो जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द ट्रांसपायरेशन. क्वेश्चन नंबर 125 है आपका इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रूली कंसर्निंग विद इंसुलिन. तो ऑप्शंस यू आर हैविंग एक्ट्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोज टिश्यूज पेप्टाइड हार्मोन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन एंड स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन. तो जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन. क्वेश्चन नंबर 126 है आपका एटीपीएज एंजाइम नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज लोकेटेड इन ट्रोपोनिन मायोसिन एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन. तो करेक्ट आंसर है आपका बच्चों सेकंड वन दैट इज द मायोसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्राइमर प्रोब आइसोटोप एंड वेक्टर. तो करेक्ट आंसर है आपका बच्चों दैट इज द सेकंड वन प्रोब. How many of the following parts of embryo are derived from embryonal apical cell, primule, radical, epicotyle, cotyledon, root cap and hypocotyle? Options है आपके पास में 2, 3, 5, 1. तो correct answer है आपका बच्चों that is the third one, 5. Next question है above given graph shown interaction between two species A and B. Identify the interaction between them. ये आपका species A है और यहाँ पे आपका species B है. Options क्या है आपके पास में commensalism, predation, competition and mutualism. तो जो correct answer होगा बच्चों, that is the first one, commensalism. Next question क्या है आपका? Question number 130. How many statements given below are wrong? और आपके उस जो statements दे रखे हैं, वो क्या हैं? With repeated use of drugs, the tolerance level of receptors present in our body increases. Smoking increases carbon monoxide content in the blood and reduces the concentration of heme-bound oxygen. Smack is chemically diacetylmorphine and the plant illustrated is Atropa belladonna and has hallucinogenic property. तो options आपको यहाँ पे जो दे रखे हैं 1, 2, 3, 4. तो correct answer है आपका बच्चों that is the first one, 1. Next question है consider the following prokaryotes: Nitrobacter, E. coli, Lactobacillus, Frankia, Azospirillum, Streptomyces, Bijernicia and Rhodos, Pseudomonas and Rhizobium. How many of them above can fix atmospheric nitrogen? तो जो आपका correct answer होगा बच्चों that is the third one, 5 of them fix atmospheric nitrogen. Question number 132 है आपका read the following statements from A to D. All animals ectoparasites on new fishes, circular mouth without jaw, in their body scales and paired fins absent, circulatory system closed type. तो जो correct answer होगा बच्चों that is the third one. It means in their So, these statements are correct for which class? तो ये statements थे आपके यहाँ पे आपके पास में option दे रखा है. That is chondrichthyes, osteichthyes, cyclostomata and amphibia. तो जो correct answer है बच्चों आपका that is the third one, cyclostomata. Next question है आपका which of the following statement is incorrect for epithelium tissue? It always rests upon underlying connective tissue. During embryonic development, epithelium originate first. Power of regeneration is very less or absent in epithelium and intercellular spaces are absent or less in epithelium. So, यहाँ पे आपका जो correct answer होगा बच्चो, that is the third one, power of regeneration is very less or absent in epithelium. Question number 134 है, which one of the following is not a photosynthetic diazotrope? Nostoc, Frankia, Anabina and Rhodospirillum. तो correct answer है आपका बच्चो, second one, that is Frankia. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका द फिगर बिलो शोज थ्री स्टेप्स ए बी सी नर्व इम्पल्स कंडक्शन रिस्पेक्टिवली सेलेक्ट द ऑप्शन गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन टुगेदर विद व्हाट इट रिप्रेजेंट्स. तो ये ए हो गया, ये बी हो गया एंड सी हो गया. आप देख सकते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज शो कर रहा है. तो यहाँ पे आपके पास में चारों ऑप्शन दिए हुए हैं. तो जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द फोर्थ वन, ए रिप्रेजेंट पोलराइजेशन स्टेज ड्यू टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. देख के ही आपको समझ में आ रही होगी ये बात. नेक्स्ट क्वेश्चन है Inflammation of joints due to accumulation of uric acid crystals is known as osteoporosis, gout, arthritis and sprain.
तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द टू यानी कि गाउट. विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड चेन इज नॉट प्रेजेंट इन प्रो इंसुलिन? ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड, डाई पेप्टाइड. तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका, दैट इज द डाई पेप्टाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 138. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एनिमोफिली? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन. पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड स्टिकी, स्टेमन एंड स्टिग्मा आर वेल एक्सपोज्ड, एंड एनिमोफिली इज क्वाइट कॉमन इन ग्रास. तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पे, दैट इज द सेकंड वन, पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड स्टिकी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 139. प्लांट, रैबिट, वोल्फ, लायन, एंड इन अबव फूड चेन इफ प्लांट प्रोड्यूसेस 100,000 किलो कैलोरी एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर वोल्फ इन गिवन फूड चेन? 10 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी एंड 100 किलो कैलोरी एंड 0.1 किलो कैलोरी. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, आपको पता होगा कि 10% ट्रांसफर होता है. तो नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, दैट इज द फर्स्ट वन, 10 किलो कैलोरी. इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन फिगर पी क्यू आर एस टी. तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है कि पी वेव रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट्स आफ्टर क्यू वेव, थर्ड ऑप्शन है आपके पास में एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल, एंड फोर्थ है आपके पास में ऑप्शन टी वेव रिप्रेजेंट द रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सीड प्रोड्यूसर्स? फाइकस एंड स्फेग्नम, पाइनस एंड एजोला, फर्न एंड फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया एंड फाइकस. तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, फर्न एंड फ्यूनेरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 142. द बॉडी ऑफ बेलेनोग्लोसस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोबोसिस एंड कॉलर ओनली, कॉलर एंड ट्रंक ओनली, प्रोबोसिस एंड ट्रंक ओनली, एंड एन एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक. तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, एंड एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक. क्वेश्चन नंबर 143 है आपका, सी शेप रिंग ऑफ ट्रैकिया आर द एग्जाम्पल ऑफ विच कार्टिलेज? इलास्टिक, हायलिन, व्हाइट फाइब्रस या फिर कैल्सिफाइड? तो जो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द सेकंड वन, दैट इज हायलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंक्लूजन ऑफ गिवन डायग्राम? टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल इज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, एंड टिप ऑफ द फोटो परसेप्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फोटो एक्सिस, एंड स्टंप इज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, एंड स्टंप इज द फोटो परसेप्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फोटोट्रॉपिज्म. सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द फर्स्ट वन, टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल इज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A person entering an empty room suddenly finds a snake right in front of on opening the door. Which one of the following is likely to happen in his neurohormonal control system? Options क्या हैं आपके पास में? Hypothalamus activates the parasympathetic division of the brain. Second option is sympathetic nervous system is activated releasing epinephrine and norepinephrine from adrenal cortex. Third option है आपके पास में sympathetic nervous system is activated releasing epinephrine and norepinephrine from adrenal medulla. एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास में एस्टिल कोलीन डिफ्यूजेस रैपिडली अक्रॉस अ क्लेफ्ट एंड इनहिबिट अ नर्व इंपल्स. तो जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट इज द थर्ड वन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. द इनर ईयर कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम लोकेटेड अबव द कॉक्लिया इज डैश. इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी एंड मूवमेंट्स एंड हेल्प्स अस इन डैश. ऑप्शन है आपके पास में ऑर्गन ऑफ कॉटी एंड हियरिंग, ऑर्गन ऑफ कॉटी मेंटेनिंग बैलेंस, वेस्टिबुलर अपैरेटस मेंटेनिंग बैलेंस, एंड स्ट्रीशियन ट्यूब हियरिंग. तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द थर्ड वन, वेस्टिबुलर एपैरेटस. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 147. ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दे रखा है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलन एलीन. ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं आए तो बताइएगा. यहाँ पे जो आंसर करेक्ट है वो आपका 46% होगा, दैट इज द थर्ड वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज वेरी डेवलप्ड स्ट्रक्चर, डेवलप्स कम्प्लीटली इन पोलन सेक एंड कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स एंड डेवलप्स ऑन स्टाइल. सो 148 क्वेश्चन नंबर में आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द थर्ड वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूट्रोफिकेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, सक्सेशन ऑफ वॉटर बॉडीज, पायरोलिसिस एंड ग्लोबल वार्मिंग. तो आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द सेकंड वन, सक्सेशन ऑफ वॉटर बॉडीज. Cortical granules of oocytes are important to prevent fertilization between gametes of two different species. Second option is to attract sperms and to prevent polyspermy. And fourth option is to increase metabolic activity of ovum. So, jo correct answer hoga bachcho, that is the third one, to prevent polyspermy. Next question hai aapka, choose the incorrect statement. Jo options hai aapke paas mein, the leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind.
सेकेंड है आपके पास में साइकस मेल एंड फीमेल कोन्स बॉर्न ऑन द सेम ट्री बट इन पाइनस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। थर्ड ऑप्शन है आपके पास में पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म इज कैरीड बाय एयर। एंड फोर्थ ऑप्शन है इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पे आपका सेकंड वन दैट इज इन साइकस मेल एंड फीमेल कोन्स बॉर्न ऑन द सेम ट्री बट इन पाइनस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्केलमेंथीज एंड प्लेटी हेलमेंथीज। तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज अ प्लेटी हेलमेंथीज। क्वेश्चन नंबर 153 है आपका, इन फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिटी द स्ट्रक्चर ए बी एंड सी एंड डी आर। तो ये आपको डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द फर्स्ट वन, बिकॉज ए इज द टेस्टिस सैक विद टेस्टिस, बी इज द सेमिनल वेसिकल, सी इज द वासा डिफरेंशिया एंड डी इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 154, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बोथ वाटर एंड सीओ टू गेट ऑक्सीडाइज, सीओ टू गेट रिड्यूस्ड एंड वाटर गेट ऑक्सीडाइज। थर्ड ऑप्शन है वाटर गेट ऑक्सीडाइज एंड फोर्थ ऑप्शन है सीओ टू गेट रिड्यूस्ड। तो जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द थर्ड वन, वाटर गेट ऑक्सीडाइज। क्वेश्चन नंबर 155 है, फाइंड करेक्ट लेबलिंग ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ ए बी एंड सी डायग्राम है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यहाँ पे फोर, तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द फर्स्ट वन, ए फॉर एओर्टा, बी फॉर पल्मोनरी आर्टरी एंड सी जो है वो पल्मोनरी वेन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 156, एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कैरियोटाइपिंग एंड पेडिग्री एनालिसिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज अ पेडिग्री एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिट फॉर हार्डी विनबर्ग लॉ। तो यहाँ है रैंडम मेटिंग, नो नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड लार्ज पॉपुलेशन। तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका दैट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 158 है आपका, विच कैरेक्टर्स ऑफ मेज प्लांट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर पेस्ट। तो ऑप्शन है आपके पास में हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन कॉन्टेंट, लो शुगर कॉन्टेंट एंड ऑल द एबव। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द फोर्थ वन, दैट इज ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, नॉइज इज अ एयर पॉल्यूटेंट, मोटर व्हीकल्स इक्विप्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलीडेड पेट्रोल, सीएनजी बर्न्स मोर एफिशिएंटली अनलाइक डीजल एंड पेट्रोल, एंड डी है आपका स्टेटमेंट 0.1% ऑफ इम्प्योरिटी मेक्स वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन यूज, सीओडी वैल्यूज आर ऑलवेज हायर देन बीओडी वैल्यूज एंड एग्रीकल्चर इंड्यूसेस एल्गल ब्लूम इन नियर बाई वॉटर बॉडीज। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द फर्स्ट वन, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब कि सारे ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 160, सेकेंड पोलर बॉडी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ओजेनेसिस एंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकंड, थर्ड ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवम एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द फोर्थ वन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरस। तो ऑप्शन है आपके पास में, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रिप्लिकेट देमसेल्व्स, नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए, दे हैव एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल एंड दे कैन कॉज कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस एंड सिट्रस कैंकर। तो जो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द फोर्थ वन, दैट दे कैन कॉज कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस एंड सिट्रस कैंकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केबर्स ऑर्गन आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ विच फाइलम, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज द थर्ड वन, दैट इज मोलस्का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड हेंस रिमेन्स एज ऑयल इन विंटर, एनिमल फैट एंड जिंजली ऑयल एंड बटर एंड घी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द सेकेंड वन, दैट इज जिंजली ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 164, Which one of the following would not be a limiting factor for photosynthesis? Oxygen, CO2, chlorophyll and light. Correct answer है आपका बच्चों oxygen. Question number 165, the right atria receive blood from superior vena cava, inferior vena cava, coronary sinus and all of these. So यहाँ पे correct answer है आपका बच्चों that is the all of these. Next question है आपका, which of the following information is incorrect regarding to the genome size of given organisms? Bacteriophage, phi and 2174 minus 5386 base pair. माइनस नॉट दिस इज दैट वन। सो यहाँ पे आपको बाकी के ऑप्शंस भी ऐसे दे रखे हैं, जो करेक्ट आंसर है आपका वो फर्स्ट वन ही है बच्चों, दैट बैक्टीरियोसाइट फाइव मल्टीप्लाइड बाई 174
सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ ई कोलाई 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स आर प्रेजेंट, देन हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम्स आर प्रेजेंट इन दिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों आपका, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 167, आपका करेक्ट आंसर है दैट इज द फोर्थ वन। नेक्स्ट है, येलो मोजेक वायरस रेजिस्टेंट वैरायटी प्रभानी क्रांति बिलोंग्स टू, भिंडी, बार्ली, चिली या फिर कॉलीफ्लावर। तो करेक्ट आंसर है आपका बच्चों दैट इज द फर्स्ट वन, भिंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ऑप्शन है, हैबिटेट लॉस, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क्स एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो करेक्ट आंसर है आपका बच्चों फर्स्ट वन, दैट इज हैबिटेट लॉस। क्वेश्चन नंबर 170, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अमंग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ऑप्शंस आपको जो दे रखे हैं उसको बताना है, उससे पहले आपको ये सारे स्टेटमेंट्स देखने हैं। तो दैट इज द यूट्रस इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, FSH स्टिमुलेट्स लेडिक सेल्स, सर्टोली सेल्स आर इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, ट्रोफो ब्लड सेल्स फ्रॉम प्लेसेंटा ड्यूरिंग ब्लास्टुला स्टेज एंड IUD कैन बी यूज एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द सेकेंड वन, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बिकॉज, प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन आउटर सर्फेस एंड लिपिड इज प्रेजेंट ऑन इनर सर्फेस, कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट ऑन आउटर सर्फेस एंड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन इनर सर्फेस, कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन आउटर सर्फेस एंड स्पेक्ट्रिन इज प्रेजेंट इन ओनली इनर सर्फेस एंड प्रोटीन आर अरेंज्ड इन फॉस्फोलिपिड लेयर एज मोजैक पैटर्न। ओके, तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका यहाँ पे थर्ड वन है, यहाँ पे दैट कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन आउटर सर्फेस एंड स्पेक्ट्रिन इज प्रेजेंट इन इनर सर्फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रोटीन्स आर लीनियर चेन्स ऑफ सिंपल शुगर्स, ब्रांच चेन ऑफ अमाइनो एसिड, लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड, ब्रांच चेन ऑफ सिंपल शुगर्स। तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों आपको दैट इज द लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 है, दैट इज एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, चेंजिंग pH एंड चेंजिंग टेम्परेचर। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द सेकंड वन, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 175 है, वर्टिब्रेट्स इंक्लूड फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, हाउ मेनी ऑफ देम रिस्पायर थ्रू लंग्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, दैट इज द सेकंड वन, ओनली एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेडरिक ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट ऑन स्ट्रेप्टोकोकस एंड माइस डेमोन्स्ट्रेट्स ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द फर्स्ट वन, ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 177, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, मेथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड एंटीबायोटिक। तो करेक्ट आंसर है आपका एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 178, हैबिटेट टुगेदर विद फंक्शन ऑफ ए स्पीशीज इज कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रॉफिक लेवल, बाउंड्री, टोपोग्राफी या फिर निश। तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका दैट इज द फोर्थ वन, निश। एंड क्वेश्चन नंबर 179 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, हाई स्पीशीज रिचनेस, हाई एंडेमिज्म, लेसन इनर बायो स्पेसिफिक इंटरेक्शन या फिर हैबिटेट लॉस। तो करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे दैट इज द लेसर इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। यस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट पेपर 4, दैट इज द रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट A to D, एंड इन ब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सेक्रेशन। बी स्टेटमेंट है आपका, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प्स एज ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग्स, and in MOET the embryo at 8 to 32 cell stages are recovered non-surgically and transferred to surrogate mothers, and a single outcross often helps to overcome inbreeding depressions. So how many of the statements are correct? So jo aapka yahan correct answer hoga that is the first one, 4 statements are correct. So bachcho iske sath hi aapke yahan pe 4 mock test paper complete hote hain. मैंने आपको 2 घंटे लगातार क्वेश्चंस कराने के लिए कहा था, तो यहाँ पे 5 मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं कंप्लीट हो पाए हैं 2 आवर्स में, टाइम 2 आवर्स से काफी ज्यादा हो रहा है। और इसलिए मैं इसके लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं आपके लिए इसी टाइप के और वीडियोस बनाऊंगी। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन आएगा। बाकी मैं NTA की वीडियोस डेली अपलोड कर रही हूँ, वो आप लोग डेली देख रहे हैं और आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइज, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई, या आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आपकी इसने अगर हेल्प करी हो पढ़ाई में, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ध्यान रखिएगा, ये एक क्विक रिवीजन था, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिए थे, मैंने सिर्फ आपका क्विक रिविजन कराया है, क्वेश्चन बताए हैं, आंसर्स बताए हैं बस डायरेक्टली। आगे जो वीडियोज मैं और बनाऊंगी उसमें एक्सप्लेनेशन वाले भी होंगे। अगर आपको ये रिविजन में हेल्प करता है तो ही मैं इस टाइप की वीडियोज बनाऊंगी, अदरवाइज
मैं एक्सप्लेनेशन के साथ ही वाले वीडियोस बनाऊंगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल अलॉन्ग विद द बेल आइकन। एंड गाइज, स्टे ट्यून विद बायोमेनिया एंड एंजॉय द नॉलेज। बाय बाय।